लॉ एंड ऑडिट के सारे अमेंडमेंट्स जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन प्रेस करिए। सबसे पहले हम लोग टारगेट कर रहे हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स को, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स। सबसे पहले स्टैट्यूट मतलब क्या होता है? स्टैट्यूट मतलब होता है विल ऑफ द लेजिस्लेचर। स्टैट्यूट मतलब होता है विल ऑफ लेजिस्लेचर, विल ऑफ द लेजिस्लेचर। वो लोग होते हैं जिन लोग कानून बनाते हैं और उन लोग क्या बोलना चाहते थे, लॉ बनाते समय उन लोग क्या बोलना चाहते थे, दैट इज कॉल्ड इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ। इट रेफर्स टू अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लेजिस्लेचर। ने लॉ बनाया उसका रियल इंटेंशन क्या था कानून बनाने का, वो बोलना क्या चाहता था, दैट इज कॉल्ड विल ऑफ लेजिस्लेचर। एंड टू अंडरस्टैंड दैट विल ऑफ लेजिस्लेचर, टू अंडरस्टैंड दैट विल ऑफ, दैट इज अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ, दैट इज नोन एज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। सो व्हाट इज इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट इज समवन आस्क यू, इफ समबडी आस्क यू डिफाइन इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द, इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट मीन्स अंडरस्टैंडिंग द विल ऑफ लेजिस्लेचर। इट रेफर्स टू द विल ऑफ लेजिस्लेचर, अंडरस्टैंडिंग द अंडरलाइंग मीनिंग ऑफ लॉ। आखिर लॉ बोलना क्या चाहते हैं उसी को समझना इंटरप्रिटेशन ऑफ क्या है, स्टैट्यूट है। ओके अब दोस्तों लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए देर आर सम प्राइमरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, देर आर सम सेकेंडरी रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन, देर आर सम प्राइमरी रूल्स एंड देर आर सम। सबसे पहले अपने प्राइमरी रूल्स को टारगेट कर रहे हैं। पहला प्राइमरी रूल है रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लिटरल कंफॉर्म, जबरदस्त चल रहे हैं इन आपको बता रहे हैं, खाली सुनते चलो। अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, द वर्ड्स यूज इन द लॉ शुड बी गिवन देयर नॉर्मल ग्रामेटिक मीनिंग, नॉर्मल लिटररी मीनिंग। द वर्ड्स यूज इन द लॉ शुड बी इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग द ग्रामेटिकल मीनिंग एंड लिटररी मीनिंग। नो एक्स्ट्रावेगेंट मीनिंग शुड बी गिवन, नथिंग एक्स्ट्रावेगेंट इंटरप्रिटेशन शुड बी डन। द वर्ड शुड बी इंटरप्रेटेड एज अ प्लेन इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर रूल। ये बोलते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन। So when the words of the law are simple and ambiguous, when the words used in the law are simple and ambiguous, kya ambiguous? Double meaning wala word hai ki single meaning wala? The words are simple kya? Single meaning kya? Ambiguous ki unambiguous? Then we should apply the rules of normal English grammar and English literature. Kuch aur karne ka darkar? Jabardasti kuch extravagant interpretation, old janul meaning nikalne ka darkar? जैसे तुम एक English language पढ़ते हो वैसे ही law को पढ़ोगे। यह है सबसे पहला प्राइमरी रूल, दैट इज लिटरल कंस्ट्रक्शन। लेकिन लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाने पर अगर हम लोग को पता चल रहा है कि मीनिंग रिपग्नेंट हो जा रहा है, क्या हो जा रहा है, रिपग्नेंट मतलब क्या होता है, एब्सर्ड, डबल मीनिंग आ जा रहा है, तो हेड एंड रूल लगाना पड़ेगा। हेड एंड रूल यानी रूल ऑफ मिस्ची, हेड एंड रूल यानी, हेड एंड रूल दोस्तों होता है रूल ऑफ मिस्ची। हेड एंड रूल बोलता है कि जब वर्ड्स ऑफ द लॉ आर एम्बिगुअस एंड हैविंग डबल मीनिंग, व्हेन द वर्ड्स ऑफ द लॉ आर एम्बिगुअस एंड देयर हैविंग, we will take that strict meaning by which we can suppress the mischief that is punished around us. If the words are having two meanings, words used in the law are having two interpretations, double meaning, one meaning if taken will not penalize the culprit, other meaning if taken will penalize the culprit. Take that meaning by which we can suppress the mischief, punish the wrongdoer, penalize the culprit. उस समय मुजरिम ये नहीं बोल सकता, जज साहब आप इस लॉ का ऐसा मतलब निकालेंगे तो हम छूट जाएंगे, तो तेरे को छोड़ना ही तो नहीं है, तो हम लोग स्ट्रिक्ट वाला मीनिंग लेंगे। ये बोलता है हेड एंड रूल, रूल ऑफ मिस्ची। तो दो रूल अभी तक हम सीखे हैं, क्या क्या, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोला, वर्ड्स आर सिंपल की नॉट सिंपल, सिंगल मीनिंग एंड अनएम्बिगुअस, देन वी विल अप्लाई द रूल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर अनलेस इट लीड्स टू रिपग्नेंसी। अनलेस इट लीड्स टू रिपग्नेंसी, देखो, और फिर अगर एम्बिगुअस और डबल मीनिंग है तो कौन सा मीनिंग होगा? हेड एंड रूल में क्या बोला, वो वाला मतलब लोग बाय विच वी कैन सप्रेस द मिस्ट्री, पनिश द रॉन्गडर। सबसे पहले प्राइमरी रूल है लिटरल कंस्ट्रक्शन। लिटरल कंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया, लिटरल कंस्ट्रक्शन में बोला गया आपको ग्रामेटिकल मीनिंग लेना है अनलेस सच कंस्ट्रक्शन लीड्स टू एन एब्सर्डिटी। ग्रामेटिकल मीनिंग लेना है अनलेस सच कंस्ट्रक्शन लीड्स टू क्या बताओ, तो एब्सर्डिटी। सुप्रीम कोर्ट का हम लोग एक तो जजमेंट पढ़े थे स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस, क्या बताओ तो पवन कुमार। स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा अच्छा चीज बताया कि वन ऑफ द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन इज टू कंस्ट्रू, मतलब इंटरप्रेट देम अकॉर्डिंग टू प्लेन लिटरल एंड ग्रामेटिकल मीनिंग ऑफ द वर्ड। आपको प्लेन लिटरल ग्रामेटिक मीनिंग लेना है
हाँ, लेकिन अगर ये लेने से कुछ एब्सर्डिटी, रिपग्नेंसी, इनकंसिस्टेंसी आ जाता है, हमने क्या लिया, हमने लिटरल और ग्रामेटिक मीनिंग लिया, हमने लिटरल और ग्रामेटिक मीनिंग लगाया तो वो क्या हो गया, रिपग्नेंट सेंटेंस, रिपग्नेंट हो गया मतलब क्या हो गया, एब्सर्ड। तब हम लोग ग्रामेटिकल सेंस को थोड़ा सा क्या करेंगे, मॉडिफाई, लेकिन उतना ही मॉडिफाई करेंगे जिससे वो रिपग्नेंसी और एब्सर्डिटी हट जाए, उससे ज्यादा नहीं। ग्रामेटिकल सेंस मस्ट देन बी मॉडिफाइड, एक्सटेंडेड। ग्रामेटिकल सेंस को थोड़ा मॉडिफाई कर दो, एक्सटेंड कर दो, एब्रिज कर दो, सो एज टू अवॉइड सच इनकन्वीनियंस, बट नो फर्दर। और सुनो, तुमको जज को साबित करना पड़ेगा कि देखिए अगर ग्रामेटिकल मीनिंग लगा रहे हैं ना तो एब्सर्ड हो जा रहे हैं, ये तुमको साबित करना पड़ेगा अगर तुम कुछ और मीनिंग लगाना चाहते हो तो। द ओनस यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ शोइंग दैट द वर्ड्स डू नॉट मीन व्हाट दे से लाइज हेविली इन द पार्टी हु एलिजेस इट। तुम इल्जाम लगा रहे हो कि नहीं नहीं ये तो एब्सर्ड है, तो साबित करो कि एब्सर्ड है। ग्रामेटिकल मीनिंग लगाने के बाद अगर एब्सर्ड होना तो साबित करो कि एब्सर्ड है। नहीं समझाया, तुम एक नंबर का पागल है, तुम पागल है, पागल है, तुम पागल है। ये बोल दिया नहीं सर मतलब ये पागल है, हमको साबित करना पड़ेगा पागल है। अभी जैसे हम इसको बोले तुम पागल हो, नहीं ऐसा नहीं, हम डॉक्टर से सर्टिफिकेट ला करके दिखा देंगे हम पागल नहीं है, तुम्हें तो बोलने का दरकार नहीं। अगर हम तुम्हारे ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं कि तुम पागल हो, तुम एब्सर्ड हो, तुम नॉनसेंस हो, तुम रिपग्नेंट हो, तुम रिपग्नेंट हो, यू आर एब्सर्ड, यू आर नॉनसेंसिकल। अरे बोलो कुछ, तो ये तुरंत बोल रहे सर प्रूफ करिए, बिल्कुल मेरा बच्चा है पक्का, तब ये लड़का हर्ष पागल नहीं, क्योंकि बोल दिया प्रूफ करिए। लास्ट में क्लियर है? वैसे ही अगर हम बोल रहे हैं ये ग्रामर का मीनिंग लगाने से तो एब्सर्ड हो जा रहा है, एब्सर्ड है, साबित कर। समझ गए सर, ही मस्ट एडवांस समथिंग विच क्लियरली शोज कि ग्रामेटिकल कंस्ट्रक्शन वुड बी रिपग्नेंट टू द इंटेंशन ऑफ द एक्ट और लीड टू सम एब्सर्डिटी। तुमको कुछ एविडेंस देना पड़ेगा। तो जब एग्जाम में आएगा रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, तो मेरे बच्चे क्या लिखेंगे रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन में? दिस इज अ प्राइमरी रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन, दिस इज अ प्राइमरी। अच्छा, अगर हम देख लिए किसी स्टूडेंट को अपना नेल पॉलिश करते हुए, नेल फाइलिंग करते हुए, उसके साथ खेलते हुए, तुरंत ऐसे ऐसे दूध में से बाईपासिंग ऑरेंज, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ क्या बताइए, लिटरल कंस्ट्रक्शन। क्योंकि बता दे एक रिवीजन क्लास जो है ना वो मेरा पूरा दिन का चार क्लास के बराबर हो जाता है, उसमें इतना कुछ बताना पड़ता है। अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, इट इज द वन ऑफ द प्राइमरी रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्शन एज पर विच The words of the law should be interpreted. Words of the law should be by applying the popular, ordinary, and grammatical meaning. That is applying the rules of normal English grammar and normal English literature. According to Supreme Court judgment in state of HP versus, याद करना पड़ेगा ये सब judgment. Case law का नाम याद करना mandatory रहता है, याद रखना हमेशा. According to the Supreme Court judgment of state of HP versus Pawan Kumar, Supreme Court ने बोला, always the law will be interpreted by using English grammar and English literature. However, if it leads to repugnancy or absurdity, only then the grammatical meaning can be modified, extended or abridged. Only then the grammatical meaning can be modified, extended or abridged. Only to remove the repugnancy or absurdity, but no further. And the onus that the interpretation of English grammar, interpretation after English grammar and English literature is leading to absurdity or repugnancy, heavily lies on the party who alleges it, and he must produce some evidences to prove it. Chat to cheez bola gaya. State of HP versus Pawan Kumar mein chat cheez kya bola gaya? We'll always apply English grammar and English literature to interpret a law, but if it leads to repugnancy, only then the grammatical meaning can be. Chat cheez bola gaya na? We will apply English grammar and English literature. Only if it leads to repugnancy, the grammatical meaning can be modified, extended or abridged. Only to remove the repugnancy or absurdity, but no. The onus will lie on the person who alleges the absurdity, and he must produce some evidences to prove the absurdity. Are we through with this? Ye tha rule of kaun sa construction batao na? Literal construction. Next rule, dosto. Head ends rule ka aur ek naam hai, rule of mischief or beneficial construction. Head ends rule, mischief rule or beneficial construction. Aaj se centuries pehle, 1584 mein ये रूल आया था, आप लोग थे नहीं उसमें, हम ही जज थे इसके, पुनर्जन्म है मेरा। हेडेंस केस 1584 में गजब जज ने बोला, मतलब हमने ही बोला था
मजाक कर रहे हैं मेरे बच्चों। हिडन रूल 1584 जज गजब चीज बोला, बोला देखो ये रूल तब लगाएंगे जब एब्सर्डिटी आ रहा है, व्हाट्स द एम्बिगुअस एनीथिंग डबल मीनिंग, व्हाट्स द एम्बिगुअस एनीथिंग। तो हम लोग एक चीज देखेंगे कि जो लॉ में अभी एम्बिगुअस वर्ड्स लिखे गए हैं, इस लॉ के पहले भी तो कुछ कानून रहा होगा, वो कानून में क्या डिफेक्ट था तभी नया कानून आया, सोसाइटी में क्या प्रॉब्लम था जिसको एड्रेस करने के लिए पुराना कानून सफिशिएंट नहीं था और नया कानून लाया गया, नया कानून का इंटेंशन क्या था वो देखा जाएगा और फिर उस हिसाब से हम लोग वर्ड को इंटरप्रेट करेंगे, सो दैट वी कैन सप्रेस द मिसयूज, दैट इज पनिश द रॉन्ग। आई रिपीट, व्हाट वाज द प्रीवियस लॉ प्रिवेलिंग बिफोर द न्यू लॉ, व्हाट वाज द डिफेक्ट इन इट, what remedy did it not provide for which the new law was brought, what was the intention of the new law after all, and we will not allow the intention to be defeated of the new law just because the words are ambiguous, we will take that meaning by which we can suppress the machine, because that is why the new law was brought, to suppress the machine। Hedden's case mein 1584 mein ye sab cheez dekhne bola gaya ki what was the common law before making of this act, उसमें क्या डिफेक्ट था जो कॉमन लॉ नहीं उसका समाधान कर सका था, पार्लियामेंट क्यों ये नया कानून लाया और ट्रू रीजन क्या था, पार्लियामेंट क्या रेमेडी सोचा और क्यों सोचा, पार्लियामेंट क्या रेमेडी सोचा और क्यों सोचा। तो हेडेंस रूल लगा, जब हेडेंस रूल आया था ना 1584 में, जज ने क्यों हेडेंस रूल लगाया 1584 में, चार कारण था, चार चीज सोच करके, व्हाट वाज द कॉमन लॉ व्हिच वाज प्रिवेलिंग बिफोर दिस न्यू एक्ट, what defect was there in the common law and what remedy did not provide, what remedy did it not provide for, what remedy did parliament sought to bring, parliament kya samadhan lana chahta tha aur kyun lana chahta tha, what remedy did parliament wanted to bring and what was the true reason of the remedy। Hedden case mein char cheez bologe, what was the common law prevailing before the new act, what was the common law prevailing before the new act, what remedy did it not provide, what defect was there in the common law, remedy that the parliament wanted, remedy that the parliament wanted and true reason of remedy। पक्का? तो हेडेंस रूल अल्टीमेटली हम लोग को कब लगाना है, सोद्रा देवी में सुप्रीम कोर्ट ने बोला, सोद्रा देवी केस का नाम है रे, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड इन सोद्रा देवी कि हेडेंस रूल कब लगाएंगे, इट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन द वर्ड्स इन द क्वेश्चन आर एम्बिगुअस एंड आर केपेबल ऑफ मोर देन वन मीनिंग, when the words are ambiguous and capable of more than one meaning, we will take that meaning by which we can suppress the mistake, punish the wrong done। Are you through with this? Reasonable construction kuch khas nahi bol raha hai, reasonable construction bol raha hai sensible meaning do usko, reasonable construction bol raha hai sensible meaning do, provision of law cannot be so interpreted to diverse, to divorce it entirely from the common sense, तो उसको नेचुरल एंड फेयर मीनिंग देना पड़ेगा, जस्ट लाइक लिटरल कंस्ट्रक्शन रे, इसका खुद का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है रीजनेबल कंस्ट्रक्शन का, ये ऑलमोस्ट सेम एज क्या है लिटरल कंस्ट्रक्शन, क्योंकि लिटरल कंस्ट्रक्शन भी नेचुरल वर्ड यूज किया था, देखो दिखाते हैं लिटरल कंस्ट्रक्शन, ये रहा देखो, नेचुरल ऑर्डिनरी पॉपुलर आर यूज इंटरचेंजेबली, समझ में आया, तो लिटरल कंस्ट्रक्शन क्या बोला था कि आप नेचुरल ऑर्डिनरी पॉपुलर मीनिंग यूज करो, वही तो रीजनेबल कंस्ट्रक्शन भी बोल रहा है ना कि नेचुरल मीनिंग यूज करो, सेंसिबल मीनिंग यूज करो, मतलब इनसेंसिबल रिपग्नेंसी मत करो। फिर हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन, दोस्तों डॉक्ट्रिन यानी रूल ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बोलता है, बहुत बार क्या होता है ना सब्जेक्ट मैटर एक है बट उसके ऊपर प्रोविजन अनेक है, वेन ऑन द सेम, कम ऑन, वेन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर देर एग्जिस्ट मोर देन प्रोविजन इन लॉ, वेन ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर देर एग्जिस्ट मोर देन वन प्रोविजन इन लॉ, वी शुड पंच अप ऑल द प्रोविजन एंड फॉलो द कंबाइंड प्रोविजन सो दैट नन ऑफ द प्रोविजन गेट डिफीटेड, सबका बात सुन ले, जब एक ही सब्जेक्ट मैटर के ऊपर एक से ज्यादा कानून बनाया हुआ है, एक से ज्यादा प्रोविजन एग्जिस्ट कर रहा है, सारे प्रोविजन को कंबाइन करके फॉलो करो ताकि कोई प्रोविजन डिफीट ना हो जाए। अभी थ्रू विद दिस, क्लासरूम में हम लोग बहुत सारे एग्जांपल्स वगैरह भी इसके ऊपर करते थे, अभी हम रिवीजन करवा रहे हैं। हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन क्लियर है क्या? फिर रूल ऑफ क्या बताओ, तो एडजस्टम जनरिस, एडजस्टम जनरिस, एडजस्टम जनरिस, हैरी पॉटर का स्पेल है लैटिन मैक्सिमम, एडजस्टम जेनेरिस क्या बोलता है, ध्यान मेरे को देखो खाली, रूल ऑफ एडजस्टम जेनेरिस क्या बोलता है, व्हेन अ लॉ कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड्स फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड, व्हेन लॉ कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक स्पेसिफिक वर्ड्स
belong to a particular class and that class is not yet exhausted. When law contains certain specific words of a particular class and the class is not yet exhausted. Law contains certain specific words which belong to a particular class which is not yet exhausted. The class is not yet exhausted. And suddenly a general word comes. The general word will take its meaning from the preceding specific word. The general word will take its meaning from the preceding specific words. General word cannot be interpreted in a wider fashion to include anything and everything in all the earth. It will take its meaning strictly from the preceding specific word and will belong to the same class to which the preceding specific word belongs to. Sir, South India mein lecture nahi chal raha hai aapka. Chal raha hai, all over India chal raha hai. Ab Hindi. Aao mere bachcha, Hindi mein samjhate. Likhna kisme exam mein? English mein samjha gaya revision. When law contains certain specific words of a particular class, the class is not exhausted. Law contains certain specific words of a particular class not exhausted, followed by a general word. The general word cannot be interpreted in a wider fashion. It will take the meaning from the preceding specific words and will belong to the same class to which the preceding specific words belong to. मान लीजिए कुछ ऐसा, हमने एक जंगल का कानून बनाया, या मान लो जू का कानून बनाया. हमने एक जू का कानून बनाया जूलॉजिकल एक्ट पास करके. हम लोग का स्टेट गवर्नमेंट वेस्ट बंगाल में जूलॉजिकल एक्ट पास किया और कानून बनाया. दिस जू विल कंटेन लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड अदर्स. दिस जू विल कंटेन लायन, टाइगर, लेपर्ड एंड अदर्स. अब बहस इस बात पर है, अदर्स के अंदर हर्ष को भी डाल दे क्या? हर्ष को डाल दे क्या? क्योंकि जज साहब यहां अदर्स लिखा हुआ है. अदर्स में तो कोई भी आ सकता है, आप भी आ सकते हैं, हम भी आ सकते हैं, हर्ष भी आ सकता है. अदर्स में तो कोई भी आ सकता है. तो यहां लगाया जाएगा एडजस्टम जेनरिस. एडजस्टम जेनरिस कब लगाया जाएगा? व्हेन लॉ कंटेन्स सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास नॉट येट एग्जॉस्टेड. देखो जू का कानून में क्या लिखा हुआ था, स्पेसिफिक वर्ड क्या था? लॉ कंटेन्स स्पेसिफिक वर्ड. स्पेसिफिक वर्ड क्या था? दिस जू कंटेन लायन, टाइगर, लेपर्ड. लायन, टाइगर, लेपर्ड क्या? अरे स्पेसिफिक वर्ड्स है. लायन, टाइगर, लेपर्ड क्या है? स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास. कौन सा है? वाइल्ड एनिमल. क्लास वाइल्ड एनिमल. एग्जॉस्ट हो गया वाइल्ड एनिमल. क्लास एग्जॉस्ट हो गया. इस दुनिया में और वाइल्ड एनिमल नहीं है कि क्लास एग्जॉस्टेड कि नॉट एग्जॉस्टेड. सो लॉ कंटेन सर्टेन स्पेसिफिक वर्ड लायन, टाइगर, लेपर्ड व्हिच बिलोंग टू अ पर्टिकुलर क्लास ऑफ वाइल्ड एनिमल. द क्लास वाज नॉट येट एंड सडनली फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड. जनरल वर्ड क्या था? अदर. तो अदर के अंदर हम और हर्ष भी आ जाए, आप लोग भी आ जाए, बोलिए. तो अदर्स विल बी टेकिंग इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड्स. प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड क्या था? कौन सा क्लास का था? तो अदर्स में भी खाली क्या आएगा? वाइल्ड एनिमल. हर्ष को डालें, ये वाइल्ड एनिमल है, ये वाइल्ड है. अरे वाइल्ड छोड़ो, एनिमल है ये. वाइल्ड एनिमल नहीं. कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको नहीं डालेंगे. गाय को डाले, गाय, 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 गाय. काउ बफेलो, काउ बफेलो. वाइल्ड राइनोसरस को डाल दो. अरे उसको बोलते हैं. तो ये था एजम्पशन जेनरिस. एजम्पशन जेनरिस क्या बोला? लॉ कंटेन्स एन्यूमरेशन. एन्यूमरेशन मतलब लिस्ट. एन्यूमरेशन मतलब लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक वर्ड्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्लास नॉट येट फॉलोड बाय अ जनरल वर्ड. द जनरल वर्ड कैन नॉट बी इंटरप्रेटेड इन अ वाइडर फैशन. इट विल टेक इट्स मीनिंग फ्रॉम द प्रीसीडिंग स्पेसिफिक वर्ड्स. ठाकुरा सिंह वर्सेस रेवेन्यू मिनिस्टर. केस का नाम तो याद कर लेंगे मेरे बच्चे खुद से. रूल ऑफ एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन हजार बार पढ़ा चुके हैं. शैल मिल मिल रहा है. में कभी कभार क्या होता है ना, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए शैल को में पढ़ना पड़ता है और में को शैल. शैल मिल मिल रहा है. में मिल मिल रहा है. आपको पता है सेक्शन 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ है? पता है सेक्शन 3 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में क्या लिखा हुआ? पता है कंपनी में बी फॉर्म फॉर लॉफुल ऑब्जेक्ट. कंपनी में बी फॉर्म फॉर. अब मे का एक्चुअल में मतलब क्या होता है? ऑप्शनल. एक्चुअल में मे मतलब होता है ऑप्शनल और शैल मतलब कंपल्सरी. शैल मीन्स कंपल्सरी, मे मीन्स ऑप्शन. बट समटाइम्स इट इज रिक्वायर्ड टू रीड शैल एज मे एंड मे एज. ये बोलता है डॉक्ट्रिन ऑफ कौन सा कंस्ट्रक्शन? एक्सेप्शनल कंस्ट्रक्शन. जैसे यहां पर सेक्शन 3 में हम जो एग्जांपल दे रहे हैं, सेक्शन 3 बोलता है कंपनी मे बी फॉर्म फॉर अ लॉफुल ऑब्जेक्ट. अच्छा मे तो मतलब ऑप्शनल हो गया. बोला चलो हीरोइन गंजा का धंधा कर दे. या तो मे लिखा हुआ है
मे मतलब तो ऑप्शनल है, मतलब लॉफुल काम करना ऑप्शनल है, मे है मे तो ऑप्शनल है, तो हम लोग ना अनलॉफुल कामों के लिए भी कंपनी बनाएंगे, ड्रग्स बेचेंगे, ये बच्चा दो बच्चा कंपनी बना रहे ड्रग्स बेचने के लिए, हमने ये ऐसा मत करो, बोला क्यों आप सिखाए हैं सेक्शन 3 लॉफुल ऑब्जेक्ट के लिए मे है ऑप्शनल है, नहीं तुम एब्सेंट था एक्सेप्शन कंसेप्शन में, कभी कभार मे को ये वो कभी कभार है सेक्शन 3 का, यहां मे को लिखा जाएगा मे बट विल बी इंटरप्रेटेड एज सिंगल्स, वैसे कभी कभार एंड को क्या पढ़ाया जाता है और कभी कभार और को क्या पढ़ाया जाता है, ये सारे प्राइमरी रूल्स है, प्राइमरी रूल्स मेरे को मुंह खोल करके फटाफट बताता तो वापस एक बार दिखा दे रहे हैं मेरे बच्चों को प्राइमरी रूल्स, सबसे पहला प्राइमरी रूल क्या था, रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन, मुंह खोल करके बोलो क्या था, अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ लिटरल कंस्ट्रक्शन एवरी टाइम द लॉ विल बी इंटरप्रेटेड बाय इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर बाय यूजिंग देयर पॉपुलर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग, बाय यूजिंग द पॉपुलर नेचुरल एंड बाय यूजिंग द पॉपुलर नेचुरल एंड ऑर्डिनरी मीनिंग, स्टेट ऑफ एचपी वर्सेस पवन कुमार में चार बातें बोली गई कि लॉ विल बी इंटरप्रेटेड बाय यूजिंग इंग्लिश ग्रामर एंड इंग्लिश लिटरेचर, ओनली व्हेन इट लीड्स टू रिपग्नेंसी द ग्रामेटिकल मीनिंग कैन बी मॉडिफाइड एक्सटेंडेड और एब्रिज्ड टू रिमूव द एब्सर्डिटी और रिपग्नेंसी बट नो फर्दर, नो फर्दर एंड ओनर शैल लाई ऑन द पर्सन हू एलिजेस द एब्सर्डिटी एंड ही मस्ट प्रोड्यूस द एविडेंसेस, लिटरल हो गया और क्या था, फटाफट हेडेंस रूल में चार बातें बोली गई, 1584 में हेडेंस रूल क्यों लगाया गया था, उस समय देखा गया व्हाट वाज द कॉमन लॉ, व्हाट वाज द कॉमन लॉ प्रिवेलिंग बिफोर द न्यू एक्ट, व्हाट वाज द कॉमन लॉ प्रिवेलिंग बिफोर द न्यू एक्ट, व्हाट डिफेक्ट and remedy did the common law did not provide, what defect and remedy did the common law did not provide, what remedy did parliament sought to make, what remedy did the parliament sought to make and what was the two reason of remedy, kya remedy lana chahta tha aur wo remedy kyun la, kya remedy lana chahta tha aur wo remedy kyun lana chahta tha, so Hedden's rule mein aur ek hum log case pare sodra supreme court held the case of sodra dairy that Hedden's rule can be applied only when the words are ambiguous and capable of more than one meaning, when will take that meaning by which we can suppress the mischief, punish the wrong done, reasonable construction is almost same as literal construction, isme bhi kya word use kiya gaya hai, ordinary, do not divorce rationality from irrationality, rationality should always prevail na, so sensible meaning do, harmonious construction kya bola, harmonious construction bola when on the same subject matter there exists more than one provision, we should combine all the provision and follow the combined provision so that none of the provision gets defeated to whatever extent it is possible, adjunctum generis when law contains certain specific word, enumeration of specific words which belong to a particular class which is not yet exhausted followed by a general word, it can't be interpreted in the wider fashion, it will always take the meaning from the preceding specific word, Kapura Singh, rule of exception consumption, sometimes shall will be read as may will be read as and will be read as or will be read as and. So come on, give me 6 points of the primary rule, give me 6 primary rules of construction, literal construction, Hedden's rule, rule of literal construction, Hedden's rule, reasonable construction, literal, Hedden, reasonable construction, harmonious, rule of harmonious construction, rule of harmonious construction, adjunctum generis and rule of exceptional construction, these are 6 primary rules of construction, literal, Hedden, reasonable, harmonious construction, adjunctum generis, exceptional construction, secondary rules mein aa jaiye, other rules of interpretation, second rules, mera favorite hai ye wala, expressio unis est exclusio alter ius, Voldemort mar gaya, expressio unis est exclusio alter ius, bolo expressio unis est exclusio alter ius, sir ise yaad karna padega, ji ha sir nahi yaad ho raha, padhai chhod dijiye, kya ye course hi aapka pura life hai, nahi iske baad bahar bhi duniya hai, ओला है उबर है, तो वो सब नहीं करना है तो पढ़ाई में एफर्ट ज्यादा कर दो, तो जीवन में कुछ ना कुछ ढंग का कर ही लेंगे, बोलने का बात है, तुम अब अपने आप को रिस्पेक्ट करो, तुमने लाइफ में एक ही डिसीजन अपने आप लिया, ये कोर्स ज्वाइन करने का, सीए करने का, अब ये सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजन तुम्हारा लाइफ का है, उसी को अगर ढंग से नहीं पूरा किया तुम कभी अपने आंख से आंख नहीं मिला सकते, और एवरेज बच्चे भी पास हो जाते हैं अगर उन लोग रेगुलर है, रेगुलर मतलब पढ़ाई में रेगुलर है,
पैशन जगह अपने अंदर, कुछ कर गुजर जाने का इच्छा जगह तब हो जाएगा। इफ यू रियली वॉन्ट टू बिकम सीए नोबडी कैन स्टॉप यू। विद दैट इन माइंड एक्सप्रेसियो यूरिस एश एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस। ये सब लैटिन, आप लोगों को लैटिन नहीं आता क्या? लैटिन भी नहीं आता? मेरे को भी जितना लिखा हुआ उतना ही लैटिन आता है। इंग्लिश इसका बहुत आसान है, एक्सप्रेसिव यूनिस एश एक्सक्लूसिव ऑल्टरियस का। एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। अमिताभ बच्चन भी बोलता था, कभी कभी खुशी कभी मजाक में। कह दिया ना बस, कह दिया। कुछ कुछ कहने से बहुत कुछ नहीं कहने का दरकार है, वो इंप्लाइड है। जो कह दिए उससे जो उससे वो भी कह दिए जो नहीं कहना था, नहीं समझा ना। एक्सप्रेसिव यूनिस एश एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव। एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ। अब जैसे सेक्शन 96 में बोल दिया एजीएम तुम नेशनल हॉलीडे में नहीं कर सकता, नहीं कर सकता ना, बोल दिया ना, बस बोल दिया। वर्किंग डे में कर सकते हैं, एक्ट में लिखा हुआ नहीं है उसको उसी दीवार में नारकली बना दो। बोल दिया खाली नेशनल हॉलीडे में नहीं करना है, तो इट इज इंप्लाइड कि तुम वर्किंग डे में कर सकते हैं, इवन संडे भी कर सकते हैं, नेशनल हॉलीडे में नहीं करना। ओके, तो लॉ में एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ विल ऑलवेज इंप्लाइज एक्सक्लूजन ऑफ अदर। इनफैक्ट पर्सनल लाइफ में भी ऐसे ही होता है। तुम लोग एग्जाम दिया था, जिन लोग टिक्की टिक्की वाले एग्जाम दिया था, चार ऑप्शन होते थे। कभी ऐसा एग्जाम दिया लाइफ में? ऑप्शन ए को मान लो टिक कर दिया या गोला कर दिया, तो इसमें एक्सप्रेस मेंशनिंग ऑफ वन थिंग क्या है? ए, तो क्या बी सी डी को कट करके आता था? कटेंगे इसको, कटेंगे, बोलो क्यों नहीं काटता था? तुमने बोला ए सही है, तुमने तो नहीं बोला बी सी डी गलत है, इंप्लाइड है ना। वैसे मान लो हर्ष फेसबुक में स्टेटस लगा दिया आई लव रीता, अब सीता गीता मीता इसको परेशान किया जा रहा है, हमको नहीं करते, हमको प्यार नहीं करते, मेरा क्या होगा? तुमको खाली एक ही चीज बोलना है, एक्सप्रेसिव यूनिस एस एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव। इफ आई एम सेइंग आई लव रीता, इट्स इंप्लाइड दैट आई डोंट लव सीता गीता मीता। नहीं समझ में आया? उन लोगों को खुद से समझ जाना चाहिए। बकवास मत करना, दिल बड़ा एडजस्ट कर लेंगे, मारेंगे। कभी हिरोशिमा का नाम सुना है? नागासाकी का? उन लोगों पर बम फूटा था क्या? अभी तुम्हारे ऊपर फूटेगा। कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटिव एस्ट ऑप्टिमा एट ऑटिसिमा इन लगे, इन लगे। सर लगा, बहुत जोर का लगा, और इतना तो सिंपल है। कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटिव एस्ट ऑप्टिमा ऑटिसिमा इन लगे, लगेगा हिरोशिमा नागासाकी बोल रहे हैं, बट ऐसा बोल नहीं रहे। इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद हिरोशिमा नागासाकी। कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटिव एस ऑप्टिमा एट ऑटिसिमा इन लगे। सर इंग्लिश में बोलिए ना, तुमको लेकिन लैटिन में भी याद करना पड़ेगा। नहीं समझा? अब ये वाला अच्छा लगने लगा होगा। एक्सप्रेसिव यूनिस एस एक्सक्लूसिव ऑल्टरनेटिव, अब अच्छा लग रहा होगा। अब कॉन्टेम्पोरेनिया एक्सपोजिटिव एस ऑटिसिमा ऑप्टिमा, पहले एस ऑप्टिमा एट ऑटिसिमा इन लगे। कितना सिंपल है, कॉन्टेम्पोरेनियो एक्सपोजिटिव एस ऑप्टिमा एट ऑटिसिमा इन लगे। सर ये बोलना कैसा था? बोलना बहुत सिंपल सा चीज चाहता है बॉस। उस समय जिस समय लॉ पास हुआ था, वर्ड का जो मीनिंग था उस दिन वो वाला मीनिंग लिया जाएगा, भले ही वर्ड का मीनिंग फ्यूचर में चेंज हो गया हो। लगा सर? आपको तो पता है कानून तो 200-300 साल पुराना रह सकता है। कैसे बच्चे हैं रे बाबा। अभी एक केस स्टडी हेडेंस केस पड़े 1584। अब क्या होता है, सेंचुरीज जब बीत जाते हैं तो वर्ड्स का भी मीनिंग क्या हो सकता है, चेंज। आज से 200 साल बाद तुम रहेगा, अभी कुछ कुछ वर्ड्स का मीनिंग कुछ और है, क्योंकि वो इस जनरेशन में वैसा मीनिंग है। अब वो मीनिंग नेक्स्ट जनरेशन में कुछ और पॉपुलरिटी हासिल कर लेगा। नहीं समझ आया? जैसे एक वर्ड हम बहुत सुने थे 3-4 साल पहले, फैंटाबुलस। फैंटास्टिक और फैबुलस को कंबाइन करके बनाते फैंटाबुलस।
एंड वो डिक्शनरी में उसको ला दिया गया, जगह मिला पेंटेबुलस वर्ड को। तो यूथ में पॉपुलर हो गया, आप लोग में पॉपुलर हो गया पेंटेबुलस। हम तो अपने जमाने में पेंटेबुलस नहीं बोलते थे, फैबुलस एंड फैंटास्टिक बोलते थे। आप लोग पेंटेबुलस बोलने का तात्पर्य यह है ओवर सेंचुरीज, बोलो द मीनिंग ऑफ द वर्ड में अंडर गो वॉट चेंज। हम लोग नया वाला मीनिंग लेंगे कि उस दिन वाला मीनिंग लेंगे जब लॉ पास हुआ था। लॉ को इंटरप्रेट किया जाएगा कौन सा मीनिंग से, करेंट मीनिंग से कि दैट मीनिंग विच प्रिवेल्ड व्हेन द लॉ वाज पास। पक्का? वेयर द वर्ड्स यूज इन अ स्टैट्यूट हैव अंडरगॉन ऑल्टरेशन, वर्ड्स यूज इन द स्टैट्यूट हैव अंडरगॉन ऑल्टरेशन इन कोर्स ऑफ टाइम, the words will be considered to be the same meaning as they had when the statute was passed. Pakka. Words ka meaning kya ho gaya? But aap kaun sa meaning lenge? Us samay wala, jab law kya hua tha pass, us samay jo meaning reveal kar raha tha. Nociter a socialist. Bolo. Nociter a socialist. Nociter a socialist matlab known by its associates. Known by its एसोसिएट्स। सचिन तेंदुलकर एंड लारा वर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बैट्समैन। सचिन एंड लारा वर वर्ल्ड्स ग्रेटेस्ट बैट्समैन। लारा ज्यादा खड़ी हो गई, अरे थैंक यू मोहित सर, इस लारा दत्ता का बात हो रहा है, सचिन के साथ ये लारा दत्ता क्या करेगी? सचिन के साथ कौन सा लारा का बात हो रहा है? ब्रांड लारा। लेकिन जज साहब यहां तो ब्रांड लिखा हुआ नहीं था। हाँ तो बाजू में देख कौन है, सचिन है तो उसके साथ ब्रांड नहीं आएगा, नहीं सुनना है। नोन बाय इट अकंपनिंग वर्ड से पता करो। हम लोग कोई क्लास प्लस को क्लास को बिलोंग करता तो जशजाम जेनरिस। इंग्लैंड में हम लोग कभी हारते नहीं थे, जब बहुत कम हारते थे, जब सचिन राहुल सौरभ सचिन राहुल सौरभ एंड डीडीएस हम लोग के साथ थे। क्या राहुल कौन है? हाथ उठाओ राहुल, राहुल एनीवन, राहुल ये खड़ा हो गया, ये राहुल खड़ा हो गया, बोले थैंक यू सर। बेटा कुछ फेंक करके मारेंगे, बोला नहीं सर अभी आप बोले ना, हम लोग इंग्लैंड में हारते नहीं थे जब सचिन डीडीएस सौरभ और राहुल। आप मेरा नाम अबे सचिन डीडीएस और सौरभ के साथ कौन सा राहुल का मत हो रहा होगा, राहुल द्रविड़ का बात हो रहा होगा। नोन बाई एट्स इसके बैग में जज साहब आप लोग बताइए अब, ठीक है? इसका बैग में, इसका बैग, ये पिकनिक पे जा रहा है, आयुष इज गोइंग फॉर पिकनिक, आइए देखते हैं इसके बैग में क्या है। इसके बैग में टूथपेस्ट, टूथपेस्ट फेस वॉश एंड ऑयल, टूथपेस्ट टूथपेस्ट ब्रश नहीं हाथ से करेगा कोई दिक्कत है, टूथपेस्ट फेस वॉश एंड ऑयल। अब बहस यहां पर ये हो रहा है ये ऑयल हेयर ऑयल है कि कुकिंग ऑयल है, क्योंकि लिखा हुआ नहीं है ऑयल हेयर ऑयल है कि कुकिंग ऑयल। हेयर ऑयल नोन बाय इट्स एसोसिएट्स, टूथपेस्ट फेस वॉश, तो ऑयल को कुक करेगा कि लगाएगा, हेयर ऑयल होगा ना। वैसे अगर इसका बैग में रहता, इस बैग कंटेंट पोटेटो टोमेटो एंड ऑयल, ये वाला ऑयल तो कुकिंग ऑयल होगा ना। अब आयुष बोल रहा है सर हम तो सरसों तेल लगाते, दोनों में काम आ जाता है। इट्स अ सेपरेट इशू, दैट्स अ सेपरेट इशू। सो इट इज नोन बाय इट्स एसोसिएट, मतलब अकंपनिंग और एसोसिएटिंग वर्ड्स। स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन हम लोग बहुत बार पढ़ चुके हैं, स्ट्रिक्ट एंड लिबरल कंस्ट्रक्शन में सुनो ना, जब कोई वर्ड बोल देता है मीन्स, क्या बोल देता है? इफ एनी डेफिनेशन स्टार्ट विद द वर्ड मीन्स, वो एग्जॉस्टिव है, रेस्ट्रिक्टिव, स्ट्रिक्ट कंस्ट्रक्शन होगा। और अगर कोई डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है, वहां पर लिबरल कंस्ट्रक्शन। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, लॉ को इंटरप्रेट करने के लिए हम लोग कुछ कुछ, जब भी हम लोग लॉ को इंटरप्रेट करेंगे, बोलो ये लेंगे कुछ, क्या लेंगे? एजम्पशंस। जैसे बचपन में तुम लोग इकोनॉमिक्स में डिमांड वाला लॉ पढ़ा था क्या? प्राइस फॉल, डिमांड राइज, प्राइस राइज, डिमांड फॉल, ऐसा कुछ पढ़ा था क्या? नॉनसेंस था। तो लेकिन वो चीज के लिए हम लोग बहुत सारे अजम्पशन लेते थे,
प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट भी कॉन्स्टेंट रह रहा है, तुम्हारा टेस्ट एंड प्रेफरेंस भी कॉन्स्टेंट रह रहा है, नहीं याद आया? वैसे जब तुम अभी लॉ को क्या करोगे, इंटरप्रेट, बहुत सारे अजम्पशन ले रहे हैं। पहला अजम्पशन तो कि लॉ में कोई मिसप्रिंट नहीं है, लॉ के जो वर्ड्स है वो लूजली डिजाइंड नहीं है, केयरफुली डिजाइंड है। पक्का? द वर्ड्स इन द स्टैट्यूट आर यूज प्रिसाइसली एंड नॉट लूजली। लॉ के आने के पहले, नया कानून के आने के, जो जो राइट्स लोगों के पास था, नए कानून आने के बाद भी वो राइट तो रहेगा ही अभी भी तुम्हारे पास, अनलेस लॉ ने एक्सप्रेसली वो राइट तुमसे छीन ली है। नया कानून अगर बोलता है साफ साफ कि तेरे पास ही राइट नहीं है, तब तेरे पास ही राइट नहीं है, नहीं तो तेरे पास जो पुराना राइट था वो रहेगा अगर लॉ साइलेंट है तो। नया कानून साइलेंट है तो पुराना राइट रहेगा कि नहीं रहेगा? द राइट्स इज अ पर्सन हैड, द राइट्स इज अ पर्सन, दे विल कंटिन्यू टू एंजॉय दोस राइट्स अनलेस इट इज एक्सप्रेसली टेकन अवे बाय द न्यू लॉ। Vested right, that is the rights which a person possessed at the time when the statute was passed, are not taken away without express words. Okay? Mens rea, guilty mind, criminal act ke liye, crime ho nahi sakta, criminal liability attract nahi ho sakta. Hum log revision prospectus mein isi ke the na, criminal liability ke liye kya chahiyega? Mens rea matlab guilty mind, tab ye criminal offense mana jayega. Main gaadi aaram se normal speed mein chala raha tha, आयुष रोड पे क्रिकेट खेल रहा था, बॉल गाड़ी के नीचे आई, ये भी डैश मार के गाड़ी के नीचे आ गया, ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाएगा? गिल्टी माइंड नहीं था, लेकिन आयुष को देख देख करके मैं इसके पीछे गाड़ी पकड़ाया, जहां आयुष मेरा गाड़ी दीवाल आया, आयुष रुक गया, गाड़ी ठोक दिया, कहीं मेंस रिया माना जाएगा? तुम मेरे को बताओ ये ऑफेंस है कि नहीं है जो भी हम बता रहे हैं? मैंने 50 लोगों को मार डाला, आई किल्ड 50 पीपल, मेंस रिया है कि नहीं है? याद है मेरे बच्चों को, 50 लोगों को मार डाला, मेंस रिया है कि नहीं है? हाँ, बॉर्डर पे दुश्मन के मार के गिरा, मेरे भारत माता कदम रखने से उड़ा दिए, चलेगा? मनीष में बहुत भीड़ था, मॉल में बहुत भीड़ था, उड़ा दिए, ये ऑफेंस है। तो चीज समझो, कभी भी एक्ट सही या गलत नहीं होता, बोलो। बहुत मतलब बहुत बड़ा प्रवचन दे रहे हैं अभी, कोई काम सही या एक्ट कभी सही या गलत नहीं होता, इंटेंशन सही या गलत होता है और फिर वो ऑफेंस माना जाता है या नहीं माना जाता। 50 लोगों को मारना एक्ट तो वही है, बॉर्डर पे दुश्मन के मार गिराए ऑफेंस नहीं है, मनीष में मार गिराए ऑफेंस है। मेरा बच्चा मेरे को पापा पापा बोलते हुए आया यहां पर, ऑफेंस नहीं है। हर्ष को भी एक बच्चा पापा पापा बोलते हुए आ गया, ऑफेंस है। एक्ट दोनों का सेम था, इंटेंशन अलग अलग था। तो एक्ट कभी सही या गलत नहीं होता, इंटेंशन उसको सही या गलत बनाता है। समझ में आया? मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हुए जब मैं बाप बना, अभी तुम बाप बनोगे तुम्हारे मां बाप तुम्हारा कत्ल कर देंगे। समझ में आया? इसको हम लोग लैटिन में बोलते हैं एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिस मेंस इट रिया। एक्ट कभी सही या गलत नहीं होता, एक्टस नॉन फेसिट रियम निसिस मेंस इट रिया। एक्ट इटसेल्फ डज नॉट कंस्टिट्यूट गिल्ट अनलेस डन विद अ गिल्टी इंटेंट। थ्रू विद दिस स्टेट इज नॉट अफेक्टेड बाय अ स्टैट्यूट जब तक एक्सप्रेसली, स्टेट मतलब होता है गवर्नमेंट, सरकार, स्टेट मतलब या स्टेट गवर्नमेंट नहीं, स्टेट इज अ वेरी ब्रॉडर वर्ड, स्टेट मतलब सरकार, चाहे वो सेंट्रल सरकार हो चाहे राज्य सरकार। तो जब भी कोई भी कानून आएगा वो सरकार के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, जब तक वो कानून में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है कि हाँ सरकार के ऊपर एप्लीकेबल है, तब तक एप्लीकेबल नहीं है। हम लोग का लॉ जरूरी नहीं है कि इंटरनेशनल लॉ के हिसाब से हो, मतलब कोई वकील कोर्ट में ये दलील नहीं दे सकता इंटरनेशनल लॉ में तो ऐसा है। आवर लॉ इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कंसिस्टेंट विद इंटरनेशनल लॉ, समटाइम्स वी कैन बोरो द कंसेप्ट ऑफ इंटरनेशनल लॉ, but our law is not intended to be consistent with international law, and legislature knows the state of law, aur jo jisne law banaya hai usko law pata tha tabhi banaya hai. Okay, shadow assumption do, give me 6 assumptions. Law ko interpret karne ka 6 assumption hota hai. Words used in the law precise, not loose. Words in the law precise,
not lose. Words are precise and not lose. जो राइट पहले इंसानों के पास था, नया एक्ट आने के बाद वो राइट छीना नहीं जाएगा जब तक एक्ट में साफ साफ लिखा हुआ नहीं है. Mens rea required for offense, he not required for offense. State affected, he not affected. State is not affected unless the law clearly mentions. Statute is not intended to be consistent with international law and legislature knows the law. Dosto, अरे दोस्तों, तुमको लॉ को कभी इंटरप्रेट करना हो ना, तुम पूरा एक्ट पढ़ लेना, पूरा बिल पढ़ लेना. बिल के अंदर इंटरनल एड्स रहते हैं और बिल के बाहर एक्सटर्नल एड्स रहते हैं. नाउ देयर आर सम इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. देयर आर इंटरनल एंड एक्सटर्नल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. बिल के अंदर बहुत सारा क्या रहता है इंटरनल, और बिल के बाहर क्या रहता है डिक्शनरी. क्या है फटाफट बताओ. मान लो तेरे को लॉ समझ में नहीं आता, तुम डिक्शनरी तो देखेगा क्योंकि वही तो मीनिंग रहेगा ना. ग्रामेटिकल लेटर मीनिंग तो डिक्शनरी से देगा, डिक्शनरी से रेफर करना. एक्सटर्नल एड है वो. यूज ऑफ फॉरेन केस लॉ, हम लोग मुंह में भरा हुआ रहता है फॉरेन केस लॉ बचपन से लेकर के. बेलफोर वर्सेस बेलफोर, रेक्स वर्सेस लॉर्ड किल्सैंड, पीक वर्सेस गुरने. अपना हिंदुस्तान में केस लॉ कम रहता है जितना फॉरेन का अपने यूज करते हैं. नहीं समझ आया. एक्सटर्नल वो ये भी डिक्शनरी. एक्सटर्नल एड है यूज ऑफ फॉरेन डिसीजन. एक्सटर्नल एड पार्लियामेंट का हिस्ट्री, कि हम लोग का पार्लियामेंट का इतिहास क्या है. एक्सटर्नल एड बिल के अंदर है पार्लियामेंट की हिस्ट्री. एक्सटर्नल एड रेफरेंस टू द रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज. रेफरेंस टू द रिपोर्ट्स ऑफ द कमिटीज बुरा मत मानना, बट पार्लियामेंट में मैक्सिमम लोग जो है पढ़े लिखे नहीं, उन लोग खाली हाथ उठा करके वोट कर देते हैं, कानून पास हो जाता. आधे से ज्यादा लोगों को यही है, कानून बना करके तो कमिटी देता है. तो कमिटी पार्लियामेंट में कानून बना ऑन द बेसिस ऑफ अ रिपोर्ट ऑफ द कमिटी. वो रिपोर्ट को पढ़ लो, वहां से तुमको मदद मिल जाएगा, पर तो बिल के बाहर है. ठीक है. एक्सटर्नल एड तो रेफरेंस टू द रिपोर्ट ऑफ द कमिटीज. डिक्शनरी फॉरेन, कम ऑन, कमिटी का रिपोर्ट, डिक्शनरी, फॉरेन डिसीजन, पार्लियामेंट्री हिस्ट्री, ये सब क्या है एक्सटर्नल. बिल के अंदर टाइटल रहता है, और जब कंपनीज एक्ट चालू होता है तो टाइटल क्या था, द कंपनीज एक्ट 2013. तो इससे पता चलता है ना कि किसके बारे में बोला जा रहा है. टाइटल के दो तरीके से हो सकते हैं, शॉर्ट टाइटल, लॉन्ग टाइटल. शॉर्ट टाइटल डज नॉट हेल्प इन एनी काइंड ऑफ इंटरप्रिटेशन. जैसे अगर हम खाली शॉर्ट टाइटल लिखे लेन आर ए सीआरबीसी का सावन की बता, क्या है बता, ये शॉर्ट टाइटल है, ऐसे भी बोलते हैं इसको. लेकिन इसका लॉन्ग टाइटल अगर हम लिखे तो समझ में आता है. क्राइम क्राइम के लिए लाया गया रिकॉर्ड, सीआरपीसी को समझ में आता है. शॉर्ट टाइटल डज नॉट हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, लॉन्ग टाइटल हेल्प्स इन इंटरप्रिटेशन. पक्का. बिल के अंदर और क्या रहता है, इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन. कानून के अंदर सबसे पहले क्या रहता है, टाइटल, उसे पता चल जाता है. शॉर्ट टाइटल से कुछ नहीं पता, लॉन्ग टाइटल से पता चलता है. प्रियम्बल, प्रियम्बल मतलब वाई द लॉ वॉज पास, बोलो प्रियम्बल मतलब बताओ. ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ, वाई द लॉ वॉज पास. कभी अगर प्रियम्बल और प्रोविजन में टकरार हो जाए, इज्जत किसको मिलेगा, प्रोविजन, अंदर के प्रोविजन को इज्जत मिलेगा. देखो इंटरनल एड्स ऑफ इंटरप्रिटेशन में टाइटल, टाइटल बोल चुके हैं. प्रियम्बल मतलब क्या होता है बताओ ना, ऑब्जेक्ट ऑफ लॉ. फिर हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, बोलो बेशर्मो. हम लोग जब कंपनी से रिविजन करे थे या जब हम पढ़ाए थे आपको 65 क्लास इंटर के लॉ का, तो हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर, माई गॉड, चैप्टर वन. तो टाइटल ऑफ द चैप्टर क्या था, प्रिलिमिनरी, उससे पता चलता है ना कि इनिशियल लेवल का बात होने वाला है. चैप्टर टू का टाइटल क्या है, चैप्टर टू का टाइटल क्या था, कंपनी एक्ट 2013 का चैप्टर टू का टाइटल होता इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू. इससे पता चलता है ना इस चैप्टर में हम लोग कंपनी खोलना सीखने वाले हैं. तो आप कैसे बोल दे रहे हैं कि पता नहीं चलता है, बिल्कुल पता चलता है. मार्जिनल नोट समझ जाओ, जो कैप्शंस वगैरह रहता है ना मार्जिनल नोट्स, जैसे चैप्टर वन में प्रिलिमिनरी के अंदर सेक्शन टू क्या है डेफिनेशन, वो डेफिनेशन क्या है मार्जिनल नोट्स. प्रोविजन मतलब बताओ, जब सेक्शन का एक हिस्सा एप्लीकेबल नहीं होगा, बोलो, जब सेक्शन का एक हिस्सा अप्लाई, उसको क्या बोलते हैं प्रोविजन. पक्का. जब किसी सेक्शन का एक पर्टिकुलर हिस्सा अप्लाई नहीं होगा उसको प्रोविजन. पूरा ही सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा एक्सेप्शन. चलो इधर देखो,
मेन डिफरेंस बिटवीन प्रोविजो एंड एक्सेप्शन, जब एक पर्टिकुलर रिस्ट अप्लाई नहीं करेगा पूरा सेक्शन अप्लाई नहीं करेगा एक्सेप्शन, जब कोई भी प्रोवाइडेड दैट कानून में जब क्या लिखा हुआ रहता है बोलो फटाफट बोलो, उसको हम लोग पता क्या बोलते हैं प्रोविजो, और एक्सेप्शन के लिए पता कैसे लिखा हुआ रहता है ऐसे एक्सेप्शन, एक्सेप्शन बोलेगा एक्सेप्शन, और प्रोवाइडेड दैट मतलब क्या होगी प्रोविजो, अगर फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में फर्दर प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ क्या लिखा हुआ इस, ये हो जाएगा फर्स्ट प्रोविजो, ये हो जाएगा सेकेंड प्रोविजो, फिर फर्दर प्रोवाइडेड दैट लिखा हुआ, फर्दर प्रोवाइडेड दैट कुछ नहीं होता, प्रोवाइडेड दैट फर्स्ट प्रोविजो, फर्दर प्रोवाइडेड दैट सेकेंड प्रोविजो, फर्दर प्रोवाइडेड दैट थर्ड प्रोविजो, बनाया क्या बोला गया कानून में इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन भी दिया हो रहता है ताकि प्रैक्टिकली हम लोग को कानून समझ में आए। ना बेटा इलस्ट्रेशन इलस्ट्रेशन और एक्सप्लेनेशन प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, और शेड्यूल समझ में आता है ना, जैसे कंपनी सेक्ट में कितना शेड्यूल है, शेड्यूल समझ क्या चीज का, शेड्यूल सेवन रिविजन क्लास में आया नहीं अभी तक, शेड्यूल सेवन CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एरियाज लिखा हुआ है ना रे, इंटरनल एड का मेरे को फटाफट बताओ इंटरनल एड में क्या क्या रहा है, टाइटल शॉर्ट टाइटल डज नॉट हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, लॉन्ग टाइटल हेल्प इन इंटरप्रिटेशन, प्रीएम्बल रेफर्स टू व्हाट ऑब्जेक्ट, हेडिंग एंड टाइटल ऑफ द चैप्टर रहता है ना, मार्जिनल नोट उसके जो अंदर है पक्का, प्रोविजन मतलब क्या पार्ट ऑफ द सेक्शन विल नॉट अप्लाई, इलस्ट्रेशन एक्सप्लेनेशन फॉर प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग, और क्या बताओ शेड्यूल, कम ऑन गिव मी सेवन इंटरनल एड्स, टाइटल हेडिंग टाइटल टाइटल प्रीएम्बल टाइटल प्रीएम्बल हेडिंग and title of the chapter, title, preamble, heading and title of the chapter, marginal notes, proviso, marginal notes, proviso, illustration, explanation, schedule, याद करने का सबसे पहले उसूल क्या है, कितना याद करना है वो याद करो, कितना याद करना था, तो तेरे को अगर यही नहीं याद है कि सात पॉइंट है तो गया, एक्सटर्नल एड ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके, पार्लियामेंट हिस्ट्री बात हो चुका था क्या, रेफरेंस टू कमिटी का रिपोर्ट, reference to other statutes, dictionary, foreign decisions, clear hai kya dosto, ye document ka definition apne kahan se padhe the koi bata sakte hai, general clause hai 1897, ha exam mein seedha aisa question aayega, explain the role of beneficial construction, sabka city bitty gul ho jayega, kya tha beneficial construction, Hedden's rule, very good. तो पूरा Hedden's rule 1584 explain करके आ जाने मेरे बच्चों को कि क्या law था, ठीक है, क्या mischief था, क्या remedy था, reason पढ़ चुके हैं ना रे बाबा, सोदरा देवी वाला भी लिख देना, grammatical interpretation कर सकेंगे क्या, grammatical interpretation कौन सा rule हो गया, हाँ literal construction, उसने state of explanation बोल के बारे में पूरा नहीं तोड़ करके आना, provision वगैरह clear है, तुमको रूल्स ऑफ इंटरप्रिटेशन पूछा, तुम पूरा प्राइमरी रूल सेकेंड रूल वगैरह सब लिखा, फिर मींस और इंक्लूड्स का इलस्ट्रेशन लिख सकोगे ना, मींस और इंक्लूड का, लवली, दिस कंप्लीट्स माय एग्जॉस्टिव रिवीजन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट, अभी हम लोग रिवाइज करने वाले हैं जनरल क्लॉज एक्ट 1897, प्लीज टेक आउट द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897, स्टार्टिंग बॉयज एंड गर्ल्स द जनरल क्लॉज एक्ट 1897,
द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897। देखिए सेक्शन वन प्रिलिमिनरी है, सेक्शन टू आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि सेक्शन टू इन्होंने हटा दिया था 1903 में, आप लोग के पैदा होने के पहले। सेक्शन टू वॉज रिमूव्ड इन 1903, बुद्धिमान बच्चे लिख चुके होंगे, बाद बाकी बच्चों के लिखा हुआ होगा क्योंकि लोग पहले से बुद्धिमान थे, सही डिसीजन लिए थे लाइफ में। फिर बढ़िया, अब ये एक्ट है क्या? द जनरल क्लॉजेस एक्ट 1897 इज अ लॉ ऑफ द अदर लॉज, इट्स अ लॉ ऑफ ऑल द लॉज, ये कानून है कानूनों का, कानूनों का कानून। बात बाकी कानून में जो वर्ड्स है ना, सारे वर्ड्स तो डिफाइन नहीं किए गए हैं, जो आपके कानून में वर्ड्स डिफाइंड है वो तो आप अपने कानून के हिसाब से इंटरप्रेट कर लो, बट आपके कानून में बहुत सारे वर्ड्स हैं जो डिफाइंड नहीं है, वो इस एक्ट के हिसाब से इंटरप्रेट होगा। फॉर एग्जाम्पल द कंपनीज एक्ट 2013 का सेक्शन 2 कंटेन्स लॉट्स ऑफ डेफिनेशन बट नॉट ऑल द डेफिनेशन ऑफ ऑल द वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल एफिडेविट हैज बीन यूज्ड इन द कंपनीज एक्ट 2013, बोलेगा अमेंड हो गया, एफिडेविट की जगह डिक्लेरेशन आ गया, अरे तो बात बाकी सेक्शन में एफिडेविट है, नॉनसेंस, अरे प्यारे नॉनसेंस। द कंपनीज एक्ट 2013 यूजेस द टर्म एफिडेविट, इट यूजेस द टर्म ईयर, बट नोवेयर इन द एंटायर कंपनीज एक्ट 2013 हैज द ईयर बीन फाइनेंशियल ईयर डिफाइंड, बट एफिडेविट डिफाइंड नहीं है, ईयर डिफाइंड नहीं, तो वो सब जनरल क्लॉज एक्ट 1897 का आपको डेफिनेशन यूज करना पड़ेगा। वैसे इनकम टैक्स एक्ट इज अ सेंट्रल एक्ट, जीएसटी एक्ट इज अ सेंट्रल एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट में इनकम टैक्स एक्ट 1961, अरे सुना है तुम लोग इनकम टैक्स एक्ट 1961 क्या, हट गया क्या नया सिलेबस में इनकम टैक्स? द इनकम टैक्स एक्ट 1961, हाथ उठाओ जिन लोग नाम सुना है, तुम्हारा टीचर डेफिनेशन पढ़ाया होगा इनकम टैक्स एक्ट 1961 में, डेफिनेशन अरे है इनकम टैक्स एक्ट में डेफिनेशन है रे। अब बहुत सारा शब्द ऐसे जो इनकम टैक्स में डिफाइंड, वो जनरल क्लॉज से इंटरप्रेट किया जाएगा, मतलब केवल लॉ के लिए जनरल क्लॉज नहीं है, केवल कंपनी लॉ के लिए नहीं है, सारे लॉ के लिए, इनकम टैक्स भी तो लॉ ही है, टैक्स लॉ। जीएसटी एक्ट में डेफिनेशन पड़ा है क्या? तो सारे शब्दों का डेफिनेशन है क्या? जिन शब्दों का डेफिनेशन नहीं है वहां पर क्या लगेगा? जनरल क्लॉज। तो सबको आना चाहिए था जनरल क्लॉज एक्ट 1897। It is used to interpret the words. It is used to interpret the words of central acts where those words have not been defined. If a central act has not defined a particular word, that word's definition will be taken from the General Clause Act 1897. Now, when I am saying that this act shall be used to interpret the words of a central act, to bachcho ko lag raha hoga स्टेट एक्ट में ये लागू नहीं होगा, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट बोला कि स्टेट भी अगर अपना कुछ स्टेट का जनरल क्लॉजेस बनाता है ना तो प्लीज इसके साथ कंसिस्टेंट बनाने में तो दिक्कत आएगा। द जनरल क्लॉज एक्ट 1897 इज अ सेंट्रल एक्ट, स्टेट एक्ट, सेंट्रल एक्ट, इट शैल बी यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग, इट शैल बी यूज टू इंटरप्रेट द मीनिंग ऑफ द वर्ड यूज इन सेंट्रल एक्ट। प्लेन reading of it suggests that it should not be applicable to the state acts. Yes, it is correct, but Supreme Court told that if any state government, if any state legislature is making any state general clauses act, they should try to make it consistent with the central general clauses act. Otherwise, it would lead to again confusions. Are you through with this? Dyslexia la bachcha. I'm not making fun of any dyslexic kid, huh? Bahut sare bachcha log nahi to emotional ho jata hai, dyslexia ka mazak uda rahe hain. मम्मी पापा तुमको कभी पागल बोले बोले कभी ना कभी बोले लाइफ में, कभी ना कभी मम्मी पापा तुमको पागल बोले तो क्या एक पागल का मजाक उड़ाना हो गया? अरे तुमको बोल रहे हैं किसी और का मजाक क्यों उड़ाएंगे? नहीं समझाया? वी आर नॉट मेकिंग फन ऑफ एनीवन हु इज पागल और एनीवन हु इज डिस्लेक्सिक, वी आर ऑल लकी टू हैव दिस वंडरफुल लाइफ। बट अभी यहां पर अगर किसी को डिस्लेक्सिक, उसको लग रहा होगा कि बोलना क्या चाह रहे हैं, कब से इंग्लिश में पटर पटर किए जा रहे हैं, बोलना ये जा रहे हैं द जनरल क्लॉज, नाम में तो आंसर छुपा हुआ है, जनरल क्लॉज, क्लॉज मतलब क्या, डेफिनेशंस,
क्लॉसेस मतलब क्या हो रहे हैं, डेफिनेशन क्लॉसेस। तो अगर सेंट्रल एक्ट जो है उसमें कोई शब्द डिफाइंड है तब तो मुबारक हो आपको, लेकिन अगर वो वर्ड डिफाइंड नहीं तो यहां डिफाइंड है तो यहां से मीनिंग ले लो। सर यहां पे डिफाइंड नहीं है तो डिक्शनरी खोल लो ना, इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश लिटरेचर वाला मीनिंग लगाएंगे, लिटरल कंस्ट्रक्शन लगाएंगे। ओके बॉयज एंड गर्ल्स बोलो, श्योर क्या समझा? क्या यह एक सबके ऊपर एप्लीकेबल है कि सेंट्रल है? इसका टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन कुछ नहीं है, नहीं तो हम लोग पढ़ते हैं ना एक्सटेंड टू होल ऑफ इंडिया या होल ऑफ इंडिया एक्सक्लूडिंग, ऐसा इसमें कुछ नहीं लिखा हुआ। जहां सेंट्रल एक्ट अप्लाई होगा वहां ये इंटरप्रेट करने में यूज होगा। अब मान लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डज नॉट अप्लाई ऑन जम्मू एंड कश्मीर, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का इंटरप्रिटेशन करते समय जम्मू एंड कश्मीर वाले लोग ये जनरल क्लॉज यूज नहीं करेंगे। जम्मू कश्मीर जनरल क्लॉज यूज नहीं करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए नहीं करेगा, कम्युनिस्ट एक्ट को इंटरप्रेट करने के लिए करेगा। हाँ, क्योंकि कम्युनिस्ट एक्ट जम्मू कश्मीर में लागू है, तो इसका कोई टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन नहीं है। जहां सेंट्रल एक्ट लागू होगा वहां इंटरप्रेट करने में काम आएगा। इट इज अ लॉ ऑफ बड़े बड़े बताओ, सेंट्रल एक्ट में वर्ड डिफाइंड है, जनरल क्लॉज में भी सेम वर्ड डिफाइंड है, कौन प्रिवेल करेगा? सेंट्रल एक्ट में वर्ड डिफाइंड है, जनरल क्लॉज में डिफाइंड है। सेंट्रल एक्ट में वर्ड डिफाइंड नहीं है, जनरल क्लॉज में डिफाइंड है, मतलब स्पेसिफिक एक्ट विल ऑलवेज ओवरराइड द जनरल एक्ट। ये तो एक जनरल एक्ट है, अरे थ्रू विद दिस ये क्यों लाया क्यों किया? टू शॉर्टन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट बोलो, नहीं तो बार बार सेंट्रल एक्ट में हम लोग को सेम वर्ड्स को फिर फिर डिफाइन करना पड़ता। इसलिए यार हम लोग बोले कि एक कॉमन एक्ट बना दो जनरल क्लॉज एक्ट, उसमें ऑर्डिनरी वर्ड्स को क्या कर दो डिफाइन, ताकि बार बार हम लोग को सेंट्रल एक्ट में सेम शब्द को बार बार डिफाइन नहीं करना पड़े। कुछ और बोलना चाहेंगे तभी डिफाइन करेंगे, सेम चीज बोलना चाहेंगे तो डिफाइन नहीं करेंगे। तो शॉर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, दिस इज एन एक्ट टू प्रोवाइड जनरल डेफिनेशन विच शैल बी एप्लीकेबल टू ऑल द सेंट्रल एक्ट एंड रेगुलेशन। एक्ट क्या होता है, रेगुलेशन क्या होता है, ये मेरा YouTube में लेक्चर डाला हुआ है, डेढ़ दो घंटा का लेक्चर है। इंडियन लॉ में एक्ट आता है, रेगुलेशन आता है, रूल आता है, बायलॉ आता है, ऑर्डिनेंस आता है, क्या फर्क है, ऑर्डर आता है, क्या फर्क है, सब डाला हुआ है YouTube में। आप पक्का से जाकर के देखिएगा, आप चाहे कोर्स कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं पक्का से देखिएगा, और मतलब बाद बाकी लोगों को भी देखने बोलिएगा। इससे एक्ट, रेगुलेशन, रूल, ऑर्डर, बायलॉ, ऑर्डर, ये चीज पूरा क्लियर हो जाए। रैरप्पन वर्सेस माधवी अम्मा, ओए रैरप्पन वर्सेस, यहां पर ये बोला गया जिसके पास रखने का पावर है उसके पास निकालने का भी पावर है। अ पर्सन विद द पावर टू अपॉइंट शैल आल्सो बी डीम्ड टू हैव अ पावर टू रिमूव और सस्पेंड। क्या ऑब्जेक्ट था इस एक्ट का, शॉर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ क्या बताओ, सेंट्रल एक्ट एंड यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करना। पक्का हर कोई अपना अपना डेफिनेशन अलग अलग तरीके से बताएगा तो यूनिफॉर्मिटी रहेगा क्या? नहीं। इट शॉर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ द जनरल क्लॉज क्या करता है, सेंट्रल एक्ट को छोटा कर देता है क्या? हाँ, बिकॉज सेंट्रल एक्ट में सेम शब्दों को डिफाइन करने का दरकार नहीं। शॉर्ट इन द लैंग्वेज ऑफ द सेंट्रल एक्ट एंड प्रोवाइड यूनिफॉर्मिटी इन द डेफिनेशंस। फिर सुप्रीम कोर्ट ने यही चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइन वर्सेस केसी थापर, करमचंद थापर ने यही बोला था केसी थापर में कि जनरल क्लॉज वगैरह जो है ना वो हर एक्ट में अप्लाई किया जाएगा अगर वो सेंट्रल एक्ट है। और यहां पर इन्होंने ये भी बोला कि स्टेट को भी क्या चाहिए कि अगर उन लोग अपना कुछ स्टेट का लेजिस्लेचर बनाएगा शुड बी कंसिस्टेंट कि नॉट कंसिस्टेंट, स्टेट लेजिस्लेचर बनाएगा तो शुड बी कंसिस्टेंट। ओके बॉयज एंड गर्ल्स, या प्रियम्बल, अभी तो पढ़े थे प्रियम्बल मतलब क्या होता है, बताओ स्कोप ऑब्जेक्ट एंड पर्पस। तो कभी प्रियम्बल और प्रोविजन में टकरार हो गया कौन जीतेगा? हाँ, हम लोग प्रियम्बल हर बार रेफर करेंगे कि जब प्रोविजन एम्बिगुअस है, ओनली व्हेन एवर देयर इज एम्बिग्युटी इन द अंडरस्टैंडिंग एनी प्रोविजन ऑफ द एक्ट प्रियम्बल इज एक्सेप्टेड एज एनी एड टू कंस्ट्रक्शन। इन शॉर्ट प्रियम्बल से हम लोग को पता चलेगा बट कैन बी ब्रॉट ओनली एज एन एड इफ द लैंग्वेज ऑफ द स्टैट्यूट इज नॉट क्लियर, हाउएवर इट कैनॉट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ एनएक्टमेंट। प्रियम्बल कांट ओवरराइड द प्रोविजन ऑफ एनएक्टमेंट।
डेफिनेशंस। या डेफिनेशन ज्यादातर एक्ट में डेफिनेशन सेक्शन 2 में दिया गया, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। जैसे इसको देख लो ना, ये खुद एक एक्ट है जनरल क्लॉज, ये सेक्शन 3 में डेफिनेशन दे रखा है। नहीं समझ आया? कंपनी से का सारा डेफिनेशन किसने, बट ऐसा कोई रूल नहीं। जैसे देखो क्या बोल रहा है, एवरी एक्ट कंटेन्स डेफिनेशन पार्ट फॉर द पर्पस ऑफ दैट पर्टिकुलर एक्ट एंड दैट डेफिनेशन पार्ट्स आर यूजुअली मेंशन इन सेक्शन 2, बट इन सम अदर एक्ट इट मे बी मेंशन इन सेक्शन 3 और अदर इनिशियल सेक्शंस। डेफिनेशन एक्ट के अंदर ही रहता है। हाउएवर देर मे बी वर्ड्स ना विच आर नॉट डिफाइंड इन द डेफिनेशन ऑफ दैट, तो उन शब्दों को आप जनरल क्लॉज से लें। क्लियर है? जैसे कंपनी तो कंपनी एक्ट में डिफाइंड है, सेक्शन 2 क्लॉज नंबर कौन सा 20, क्या है क्लॉज नंबर 20 का डेफिनेशन कंपनी का? कंपनी मीन्स अ कंपनी, इनकॉर्पोरेटेड दिस है और प्रीवियस कंपनी, तब तो उसी को लेना है। बट एफिडेविट शब्द जो है ना वो डिफाइंड नहीं है, तो उसको कहां से लीजिएगा बताइए? तो जनरल क्लॉज ऑफ एक्ट 1890 पक्का। एफिडेविट शब्द यूज इन सेक्शन 2 ना, बता दो, बोलो क्यों? तो उसको आप कहां से लीजिएगा बताइए ना, जनरल क्लॉज मीन्स एंड इंक्लूड्स, हम हजार बार से भी ज्यादा पढ़ा चुके हैं, बट एक बार रिविजन फिर से हो जाए। मीन्स मतलब एग्जॉस्टिव एंड रेस्ट्रिक्टिव, कह दिया ना बस, कह दिया, पत्थर का लकीर है, आप अपना बुद्धि ना लगाएं। इट कैन नॉट बी एक्सटेंडेड, इट कैन नॉट बी मॉडिफाइड, बट इंक्लूड्स मतलब होता है इंक्लूसिव, लिबरल कंस्ट्रक्शन, इसको आप बढ़ा सकते हैं। जैसे कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट ऑफ प्रीवियस कंपनी, इसको बढ़ा सकते हैं क्या? फॉरेन कंपनी कंपनी है, फॉरेन कंपनी कंपनी बिकॉज इट हैज नॉट बीन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट ऑफ प्रीवियस कंपनी। बॉडी कॉर्पोरेट का अगर हम लोग बात करें, एज पर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 11, बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन इंक्लूड से स्टार्ट होता है। आइला सर, हम लोग को मींस इंक्लूड जहां जो मन आता था लिख देते, काट करके फेंक देंगे तुम्हारा आंसर को। मींस मतलब पत्थर का लकीर, इंक्लूड मतलब इंक्लूसिव, इट कैन बी एक्सटेंडेबल, इट इज एक्सटेंडेबल। जैसे सेक्शन 2 क्लॉज 11 क्या बोला, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, मतलब बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड। हम रोने लगे, मेरा कंपनी जो हिंदुस्तान में पैदा हुआ है वो बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है? नहीं, अभी तो बोले बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। सर इंक्लूसिव है सर, आपका कंपनी तो है ही जो हिंदुस्तान में बॉडी कॉर्पोरेट, वो तो है ही। इनफैक्ट जो कंपनी नहीं है वो भी बॉडी कॉर्पोरेट हो सकता है, जैसे सेबी, सीसीआई, ये सब क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट है, जिसका परपेचुअल क्या रहता है? सक्सेशन। अच्छा समझे ना बॉडी कॉर्पोरेट क्या होता है? एनी ऑर्गेनाइजेशन हैविंग परपेचुअल सक्सेशन कॉमन सील, पावर टू सीओ, पावर टू बी सीओ, पावर टू अक्वायर होल्ड डिस्पोज प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल टैंजिबल इंटैंजिबल, उसको बॉडी कॉर्पोरेट बोलते हैं। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, ये सभी क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो वही डेफिनेशन दिया हुआ है। मींस में तो तुम सेक्शन 2 क्लॉज 20 वाला लिख देना कंपनी मींस वाला, इंक्लूड्स में तुम लिख करके आ जाएगा बॉडी कॉर्पोरेट वाला सेक्शन 2 क्लॉज 11। क्लियर है क्या दोस्तों? शैल में कब इंटरप्रेट करेंगे, पढ़ चुके हैं क्या? जैसे देखो सेक्शन 3 में क्या लिखा हुआ है, कंपनी में भी फॉर्म फॉर, ओहो तेरी कंपनी में भी फॉर्म फॉर लॉफुल पर्पस। यहां पर जो मे है किसकी तरह पढ़ा जाएगा? हेयर मे शैल बी रेड एज शैल, शॉर्ट टाइटल सेक्शन 1 में लिखा हुआ है। दिस एक्ट में भी कॉलेज क्या बताओ तो जनरल क्लॉज एक्ट 1897। अब डेफिनेशंस ही आ गया, डेफिनेशंस में एक्ट, ये एक्ट कानून वाला एक्ट नहीं है, ये द कंपनीज एक्ट वाला एक्ट नहीं है, ये क्रिया है, क्रिया। अभी हम पढ़ा रहे हैं ये वो वाला एक्ट है, अभी तुम पढ़ रहे हो ये वो वाला एक्ट है, वो बच्चा वहां से चोरी कर रहा है ये वो वाला एक्ट है, वो बच्चा प्लास्टिक में डिस्टर्बेंस कर रहा है ये वो वाला एक्ट है, हर बच्चे कुछ ना कुछ कर रहे हैं, ये बच्चा कुछ नहीं कर रहा वो भी एक एक्ट है। और नया क्या बोला जा रहा है, ये कानून वाला एक्ट नहीं, ये एक्ट यूज होता है ऑफेंस से रिलेटेड, एक्ट
यूज विद द रेफरेंस टू क्या बताओ ना, ऑफेंस और सिविल रॉन्ग। ये एक्ट किसके रेफरेंस में यूज हो रहा है, ऑफेंस और सिविल। जैसे ऑफेंस में हम लोग क्या पढ़ते हैं, ऑफेंस मीन्स व्हाट, एक्ट विच इज पनिशेबल, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट विच इज पनिशेबल अंडर द करेंट लॉ और अंडर द प्रिवेलिंग लॉ, एंड एक्ट विच इज पनिशेबल, ऑफेंस मीन्स एन एक्ट विच इज, तो ये वो वाला एक्ट है जो ऑफेंस में यूज होता है, सिविल रॉन्ग में यूज होता है। Shall include series of acts. Act के अंदर series of acts भी आएगा, and words which refer to act done and also to illegal omission. तो इसके अंदर दो चीज आता है, act done आता है, illegal omission आता है, समझ आया? एफिडेविट होता है रिटन स्टेटमेंट कंफर्म बाय ओथ और यूज एविडेंस इन द कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी। एफिडेविट इज द रिटन स्टेटमेंट कंफर्म बाय कोर्ट, रिटन स्टेटमेंट कंफर्म बाय ओथ एंड यूज इन फ्रंट ऑफ कोर्ट, कंफर्म बाय ओथ यूज इन फ्रंट ऑफ कोर्ट एज एविडेंस, कंफर्म बाय ओथ कि हम कसम बोल रहे जो बोल रहे सच बोल रहे एंड यूज एन एविडेंस इन कोर्ट, कंफर्म बाय ओथ used in court. Central Act सबको समझ में आता है, जो Dominion Legislature और Indian Legislature का था, Dominion Legislature मेरे को 10 मिनट लगा था पढ़ाने में, Dominion Legislature और Indian Legislature, British India जो था ना, British India वो क्या था, Dominion Legislature, Central Government means the Constitution के पहले Governor General, Constitution के बाद प्रेसिडेंट, जैसे बच्चे हैं रे बाबा, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के पहले यानी 26 जनवरी 1950 के पहले ये शब्द गवर्नर जनरल के लिए यूज होता था और 26 जनवरी 1950 के बाद ये शब्द होता है प्रेसिडेंट के लिए। कमेंसमेंट का मतलब क्या होता है, जब से एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स। डॉक्यूमेंट मतलब क्या होता है, एनी सब्सटेंस अपॉन विच एनी मैटर इज, अरे कोई भी सब्सटेंस जिसमें आप कोई भी मैटर लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, चाहे लेटर से चाहे फिगर से फॉर रिकॉर्डिंग दैट मैटर। डॉक्यूमेंट एक सब्सटेंस है जिसमें आप मैटर को लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं और कैसे लिख रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं या तो लेटर से या फिगर से फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग दैट मैटर। डॉक्यूमेंट इंक्लूड्स एनी क्या, सब्सटेंस, ऐसा कोई भी सब्सटेंस अपॉन विच एनी मैटर इज written or expressed by means of letters or words or figures or both or all for the purpose of recording that matter. Document may be defined as any substance. Document may be defined as any substance. Document may be defined as any substance on which the matters are being written, on which the matters are being written, expressed in letter, figure, words or all for the purpose of recording that matter. Enactment shall include regulation. Sub definitions shall, definition ka main revision kaise karaun, but phir bhi karwa raha hu. Come on, financial year matlab batao, first year April se jo chalu hoga, year commencing on, financial year shall mean year commencing from first year of April, but jab khali year bolega na, wo year hota calendar year, wo bhi kaun sa, British calendar, Hindu calendar year nahi. जैसे अभी हिंदू में क्या, कौन सा साल चल रहा है, संवत 2072-75 व्हाटएवर, तो तुम लोग हिंदू कैलेंडर कभी देखे हो? हाँ, हम लोग के माँ बाप देखते रहते हैं, कभी सावन आता है, कभी कुछ आता है, पंचांग में देखते रहते हैं, तो हटा सावन निकट हो, हम लोग को कैलेंडर ईयर कौन सा होना चाहिए, ब्रिटिश, हम लोग ब्रिटिश के गुलाम है, थे, तो उसी के हिसाब से हम लोग चलते हैं जनवरी से दिसंबर। तो फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर में क्या प्रश्न आ रहा है, खाली ईयर मतलब, जहां जहां खाली ईयर शब्द का उपयोग हो, फाइनेंशियल ईयर शैल स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ अप्रैल, बट कैलेंडर ईयर स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट ईयर ऑफ जनवरी। फाइनेंशियल ईयर शैल मीन ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट ईयर ऑफ अप्रैल। गुड फेथ मतलब ऑनेस्टली किया हुआ, भले ही तुम नेग्लिजेंट थे बट तुमने क्या किया, ऑनेस्टली। गुड फेथ मतलब क्या, ऑनेस्टली। इसके ऊपर हम लोग एक केस किए थे, मोंग ऑन पो वर्सेस मोंग सी मोंग,
मोंग ऑंग फू वर्सेज मोंग सी मोंग, गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट आएगा कि स्टेट गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सिक्योरिटी में कौन सा सिक्योरिटी जो सेंट्रल इशू कर रहा है कि स्टेट की, दोनों इमूवेबल प्रॉपर्टी इंक्लूड, मतलब इसके अलावा भी और इमूवेबल रहेंगे क्या? हाँ, क्योंकि ये क्या है, इंक्लूड्स, इंक्लूड्स क्या, लैंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, लैंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग अटैच टू द अर्थ, और जो चीज परमानेंटली फासेंट टू द थिंग्स अटैच टू द थिंग्स अटैच टू द एंड परमानेंटली फासेंट टू एनीथिंग अटैच टू द, इट इज एन इंक्लूसिव डेफिनेशन, इट कंटेन्स फोर एलिमेंट, क्या क्या, लैंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड, थिंग अटैच टू अर्थ, परमानेंटली फासेंट टू एनीथिंग अटैच टू द, फिर एग्जाम्पल दिया गया था ट्री इमूवेबल क्यों है, अरे बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड है, कैसे बच्चा है ट्री, कहां से उग रहा है, अरे और मत से उग रहा है ट्री, जमीन से उग रहा है ना, बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ लैंड अटैच टू द अर्थ, टिम्बर इमूवेबल नहीं है बिकॉज इट इज नॉट अटैच टू द ट्री, क्या है इमूवेबल, टिम्बर इमूवेबल नहीं, ये देखो हम हर सेक्शंस को लिख करके रखे हैं, फिर उसको डायग्राम भी बनाया हुआ है, देखो कितना अच्छा है, इमूवेबल प्रॉपर्टी शैल इंक्लूड दिखाई दे रहा है क्या, बताओ मुंह खोल करके चार चीज करते हैं, लैंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग अटैच, चार चीज, लैंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड, थिंग्स अटैच टू दैट एंड परमानेंटली फास्टेंट, फास्टेंट मतलब टाइटेंड टू थिंग्स अटैच टू दैट, सर कितना बार बोलेंगे थिंग अटैच टू दैट, दो बार, एक बार टू थिंग अटैच टू दैट एंड उसके साथ जो अटैच थिंग्स परमानेंटली फास्टेंट टू एनीथिंग अटैच टू दैट, क्या क्या रहे इमोल प्रॉपर्टी के अंदर, लैंड बेनिफिट अराइजिंग आउट ऑफ थिंग अटैच टू दैट एंड परमानेंटली फास्टेंट टू एनीथिंग अटैच टू दैट, टिम्बर इमोल नहीं है, ट्री इमोवल है, राइट टू वे राइट टू एक्सेस इमोवल है, ये एग्जांपल दी, राइट ऑफ वे टू एक्सेस फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ये इमोवल के अंदर आता है, इम्प्रिजनमेंट मतलब ऑफ आइदर डिस्क्रिप्शन एज पर इंडियन पिनल कोड, इम्प्रिजनमेंट बोला वही जो इंडियन पिनल कोड में डिस्क्राइब है, और इंडियन पिनल कोड में दो टू इम्प्रिजनमेंट क्या बोलता है, सिंपल एंड रिग्रस, रिग्रस इम्प्रिजनमेंट मतलब चक्की पीसिंग पत्थर तोड़िंग, और सिंपल इम्प्रिजनमेंट तेरे को खाली कोने में बैठा करके रख देंगे, पढ़ते रह तू रैंक ले आएगा, जब बड़ा कर्मकांड होता है तो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट, आसाराम वाला कर्मकांड करोगे तो रिग्रेस, नहीं समझ में आया, और जब कोई सोफिस्टिकेटेड क्राइम किया, मान लो एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया, तो एनुअल रिटर्न जमा नहीं किया तो 6 महीने का भी जेल हो सकता है, कैसे बच्चे हैं, तो सिंपल वाला होगा कि रिग्रेस वाला होगा, सिंपल वाला, मेरे बच्चे तो अपने जीवन से परेशान होकर के सिंपल इम्प्रिजनमेंट अगर मिलेगा चले जाएंगे, खुशी खुशी चले जाएंगे, क्या हम तो बोलते हैं जिन लोग टर्म डेफर करते हैं ना उन लोगों से 6 महीने सिंपल इम्प्रिजनमेंट भेज देना, मजाक नहीं कर रहे, रैंक पक्का है, करने को कुछ रहेगा नहीं, पढ़ोगे बाद में मोह माया में पूरा व्यस्त हो जाते हैं, इंडियन लॉ बेटा ये समझाने में ना ज्यादा नहीं 1.5 घंटा लगता है, ये बेटा आप यूट्यूब से देख लेना मेरा मीनिंग ऑफ इंडियन लॉ, मीनिंग ऑफ लॉ बोल करके ना मेरा यूट्यूब में डालो बेटा, वहां से देख लेना इंडियन लॉ पढ़ते हो, बिना जाने इंडियन लॉ क्या होता है, कितना चीज होता है लिखवा देते ना तो अच्छा रहता, दो पन्ना इसके ऊपर लिखवाए होंगे, एक्ट ऑर्डिनेंस रेगुलेशन रूल ऑर्डर बाय लॉ, ओके मंथ मतलब कौन सा रे, सावन का महीना कि ब्रिटिश कैलेंडर वाला महीना, आज अब मोबाइल प्रॉपर्टी तुम लोग का फेवरेट अदर देन इमूवेबल, तो जब मूवेबल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन आएगा ना तुम खाली एक्सेप्ट इमूवेबल लिख करेगा तुमको अंडा देगा, तुमको इमूवेबल को भी डिफाइन करना पड़ेगा, देन इंक्लूड लैंड बेनिफिट टू अराइज आउट ऑफ लैंड थिंग अटैच्ड टू द परमानेंटली फासेंट टू द थिंग अटैच्ड टू द, ओथ मतलब भाई अफर्मेशन डिक्लेरेशन, सर एफिडेविट में भी तो वही था, हाँ लास्ट में इन लोग खुद बोलेगा एफिडेविट ओथ अफर्मेशन सबका मतलब क्या है, ऑफेंस देखो शैल मीन एन एक्ट क्रिया वाला समझ आया जो करना वाला था, और ओमिशन जो नहीं किया था मेड पनिशेबल बाय एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स, लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स मतलब क्या होता है कोई बताओ तो, करंट लॉ, करंट लॉ ऑफिशियल गैजेट में गैजेट ऑफ इंडिया तो आता ही है, गैजेट ऑफ स्टेट भी आता है, क्लास में खोल करके दोनों बहुत बार दिखाए गैजेट ऑफ इंडिया गैजेट ऑफ स्टेट, पर्सन के अंदर कंपनी एसोसिएशन बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेट, पर्सन के अंदर क्या आएगा कंपनी एसोसिएशन ऑफ पर्सन बीओआई वेदर इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड यूज होता है डॉक्यूमेंट के लिए, जो रजिस्टर्ड एज पर रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट कर लो, द टर्म रजिस्टर्ड इज यूज्ड इन रेफरेंस टू अ डॉक्यूमेंट विच इज रजिस्टर्ड एज पर द लॉ रिलेटिंग टू रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट,
देखो रूल मतलब क्या बोल रहे हैं, रूल मीन्स व्हाट, रूल, शेड्यूल मीन्स व्हाट, शेड्यूल टू एक्ट, और क्या बताओ तो रेगुलेशन। मजा देख खाली, मजा देख तुम खाली, मजा देख, शेड्यूल मीन्स अ शेड्यूल टू द एक्ट और रेगुलेशन, सेक्शन मीन्स अ सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन, सबसेक्शन मीन्स सबसेक्शन ऑफ द सेक्शन, सबसेक्शन मीन्स क्या बताओ तो, सबसेक्शन ऑफ क्या बताओ ना, सेक्शन, क्लियर है क्या, क्या मजा आ रहा है, सिंपल है, सेक्शन मतलब भाई जो सेक्शन होता है ना एक्ट का रेगुलेशन का, रूल मतलब भाई जो रूल होता है ना एक्ट का रेगुलेशन का, सबसेक्शन मीन्स भाई सबसेक्शन ऑफ द सेक्शन, वापस एक बार, ए शेड्यूल मतलब बताओ, शेड्यूल टू एक्ट और रेगुलेशन, सेक्शन मतलब बता, सेक्शन ऑफ द एक्ट और रेगुलेशन, सेक्शन मतलब सेक्शन ऑफ द सेक्शन, स्वेयरिंग फिर आ गया, ये फिर आ गया, नोट द टर्म एफिडेविट ओ स्वेयर हैव द क्या बताओ ना, सेम डेफिनेशन इन द एक्ट, राइटिंग मतलब प्रिंटिंग लिथोग्राफी फोटोग्राफी जिससे विजिबल हो सके कुछ, ईयर मतलब ब्रिटिश कैलेंडर, क्लियर है क्या, एक बार सारा डेफिनेशन वापस से देख लो जनरल क्लॉजेस का, नहीं हम दिखा रहे हैं वो थोड़ी ना रहे, हम तुम लोग का सबसे बड़ा गलत चीज क्या होता है पता है, अभी जैसे तुम लोग ये ना खुद से भी अपने आप से भी ऐसी करता करने, घर में जब तुम लोग कोई ट्रिकी चीज पढ़ता है जैसे ही वो कंप्लीट हुआ भागो, और जो इंटेलिजेंट बुद्धिमान बच्चा होता है वो उस क्या करता है, जैसे वो ट्रिकी चीज कंप्लीट हुआ उसी समय फिर से वो दो बार रिवीजन करके उसको हमेशा के लिए दी एंड कर देता है, हमेशा के लिए, एक बार देख करके रिवीजन, एक बार ढक करके रिवीजन, हमेशा के लिए वहीं पर दी एंड, और ये करने में मान लो अगर पहली बार पढ़ने में 4 घंटा लगा तुमको विचार कर, उसी समय अगर पढ़ोगे 45 मिनट वापस 15 मिनट वापस 1 घंटा में हो जाएगा, लेकिन ये जो बच्चा है ये फिर जब वापस पढ़ेगा 4 घंटा फिर टर्म आएगा, फिर टर्म आएगा, फिर टर्म ऐसे आते जाते हैं, तो अपना पढ़ने का स्टाइल जो है ना वो थोड़ा सा चेंज करो, एक ही चीज पढ़ने के बाद उसको दुश्मन अभी कमजोर हुआ उसको दे मारो उसी समय, जैसे अब देखो अब जब तुम लोग ये अभी रिवीजन कर रहे होगे अभी लगेगा हाँ तुम लोग के लिए संभव है, सबसे पहले डेफिनेशन सेक्शन 3 में क्या है, एक्ट यूज्ड विद रेफरेंस टू ऑफेंस और सिविल रॉन्ग, द टर्म एक्ट हैज बीन यूज्ड विद रेफरेंस टू, द टर्म एक्ट हैज बीन यूज्ड इन रेफरेंस टू ऑफेंस और सिविल रॉन्ग, सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट, सीरीज ऑफ एक्ट, Yes, act with reference to an offense or civil wrong. Act with reference to an, ये act क्यों use हो रहा है? With reference to an offense or civil wrong. Shall include series of acts. Series of acts. अब series of acts के बाद दो चीज है. Act done और illegal omission. तो actual में तो यही दो चीजें रहे. Act done और illegal omission. तो अब एक्ट का डेफिनेशन बराबर बता दो, विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग, एक्ट विथ रेफरेंस टू एन ऑफेंस और सिविल रॉन्ग शैल इंक्लूड सीरीज ऑफ एक्ट्स, रेफर्स टू एक्ट डन, विच रेफर्स टू एक्ट डन और इलीगल ऑफेंस, एक्ट डन और इलीगल ऑफेंस, एफिडेविट कोई बोले, एफिडेविट कोई बोले ओथ, कोई बोले स्वेरिंग, दे हैव द सेम मीनिंग, एफिडेविट ओथ Swearing have the same meaning. It's a written statement kya? Made on oath in and used in evidence in court. Written statement made on oath used in court. Batao, ab act aur affidavit clear hai jada? Central Act. Act passed by what? Dominion legislature or Indian legislature? Central government. Do cheez. Constitution ke pehle कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, कॉन्स्टिट्यूशन के पहले गवर्नर जनरल, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद प्रेसिडेंट,
कमेंसमेंट मतलब क्या होता है विद रेफरेंस टू एन एक्ट और रेगुलेशन शैल मीन द डेट व्हेन द एक्ट और रेगुलेशन शैल कम इनटू फोर्स व्हेन द एक्ट और रेगुलेशन कम्स इनटू फोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है एनी सब्सटेंस डॉक्यूमेंट मीन्स एनी सब्सटेंस अपॉन विच एनी मैटर डॉक्यूमेंट मीन्स एनी सब्सटेंस डॉक्यूमेंट इज अ सब्सटेंस अपॉन विच एनी मैटर इज रिटन और एक्सप्रेस डॉक्यूमेंट इज अ सब्सटेंस क्या ऑन विच एनी सब्सटेंस ऑन विच एनी मैटर सब्सटेंस ऑन विच एनी मैटर इज रिटन और एक्सप्रेस इन लेटर और फिगर और बोथ फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग सब्सटेंस अपॉन विच एनी मैटर इज रिटन और एक्सप्रेस बाय मींस ऑफ लेटर फिगर और बोथ फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग इनएक्टमेंट शैल इंक्लूड क्या बताओ ना रेगुलेशन फिर फाइनेंशियल ईयर शैल मीन द ईयर कमेंसिंग ऑन फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल कैलेंडर ईयर फर्स्ट डे ऑफ जनवरी British calendar. Good faith means anything which is done honestly. You may be negligent or not, but it is done in good faith if you have done it honestly. Mong Mong Po, Mong Si Mong. Government ke andar central aayega ki state aayega? Government security ke andar dono. Immune body ke andar char cheez. Inclusive definition hai, but char yahan par likhna hai. Land benefit arising out of land. Thing attached to earth. Things which are permanently fastened to the things attached to the earth. इम्प्रिजनमेंट दो प्रकार के होते हैं सिंपल रिग्रेस इंडियन लॉ 1 hour 30 minutes यूट्यूब चैनल मंथ एज पर वॉट ब्रिटिश कैलेंडर मूवेबल एक्सेप्ट इमूवेबल ओथ वगैरह पढ़ चुके ऑफेंस मीन्स एन एक्ट एनी एक्ट और ओमिशन पनिशेबल बाय द लॉ फॉर द टाइम एंड फोर्स एनी एक्ट और ओमिशन विच इज पनिशेबल बाय द लॉ फॉर द टाइम एंड फोर्स ऑफिशियलिटी मतलब गैजेट ऑफ इंडिया एंड गैजेट ऑफ स्टेट पर्सन के अंदर तीन चीज कंपनी Association of person, company association of person, BOI, whether incorporated or not. Registered मतलब क्या होता है? It is used in the, with reference to a document which is required to be registered as per registration law. Rule means rule, schedule means schedule to the act or schedule means schedule to the schedule means schedule to the act or regulation. Schedule means schedule to the act or regulation. Section means section to the act or regulation. Subsection means subsection of the section. Affidavit oaths were have the same definition. Writing means kya? Printing, lithography, photography, visible form. Here matlab kya? British calendar. Phir general rules of construction mein aa gaye hum log. Jaise operation of enactment kab se chalu hota hai? Jab president usko sign karta hai ki OG mein chhapa jata hai ki jo date OG mein likha diya. Teen tarika aap bataye. President sign kiya. एक्ट कब से कमेंस होगा एक्ट रेगुलेशन कब से कमेंस माना जाएगा जब प्रेसिडेंट साइन किया कि जब ओजी में छापा गया कि ओजी में छापा गया और जो डेट बताया गया ओजी में जब से छापा गया तब से कि जो डेट बताया गया और अगर डेट नहीं बताया गया तो जब छापा गया और जब छापा भी नहीं गया अगर तो जब प्रेसिडेंट साइन किया ओजी में अगर एक स्पेसिफिक डेट बताया गया तो स्पेसिफिक डेट से अप्लाई होगा स्पेसिफिक डेट नहीं बताया गया तो जिस दिन ओजी में छपा गया ओजी में छपा ही नहीं गया तो जब प्रेसिडेंट साइन किया इफेक्ट ऑफ रिपील रिपील को हिंदी में बोलते हैं रिपील को हिंदी में बोलो मेरे बच्चे उखाड़ करके फेंक देना It is different from amendment. Repeal is not small amendment in the provision. When the entire act is substituted, it is called repeal. Just as the Companies Act 1956 was amended by the Companies Act 2013, repealed by Companies Act 2013. But the Companies Act 2013 has been amended by the Companies Amendment Act 2017. Companies Act 2013 kya repeal ho gaya? Companies Amendment Act 2017 aane ke karan ki amend hua. कंपनीज एक्ट 1956 का हो गया रिपील हो गया कंपनीज द कंपनीज एक्ट 1956 वाज रिपील्ड बाय द कंपनीज एक्ट 2013 बट द कंपनीज एक्ट 2013 हैज नॉट बीन रिपील्ड बाय द कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2017 इट हैज बीन अमेंडेड रिपील मतलब होता है उखाड़ करके फेंक देना पवित्र वचन टू डिस्ट्रॉय टू ऑब्लिटरेट ऑब्लिटरेट मतलब डिस्ट्रॉय द सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन अच्छा जो एक्ट रिपील हो गया जो पुराना एक्ट के हिसाब से काम किया हुआ है वो वैलिड रहेगा कि इनवैलिड
जो पुराने एक्ट के हिसाब से जब पुराना एक्ट था उस समय बहुत सारा काम किया गया वो भी इनवैलिड हो जाएगा क्या? नहीं, इफेक्ट ऑफ रिपील, द रिपील शैल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इम्पोज। ओए पुराना एक्ट हट गया तो जो पुराना एक्ट बना करता था वो जिंदा हो जाएगा क्या? ना, इट विल नॉट रिवाइव एनीथिंग विच वॉज नॉट इम्पोज, इट विल नॉट अफेक्ट। सब नॉट है, हाँ ये सब नॉट है, नॉट, ये नॉट कॉमन है, ये सब काम नॉट है। इफेक्ट ऑफ रिपील, देखो रिपील क्या क्या नहीं करेगा। इट विल नॉट रिवाइव एनीथिंग नॉट इम्पोज, इट विल नॉट अफेक्ट द प्रायर मैनेजमेंट, पुराने कामों को इफेक्ट नहीं करेगा। ऐसा कोई क्लेम प्रिविलेज जो ऑलरेडी अराइज हो चुका है, किसी का पुराना क्लेम प्रिविलेज को अफेक्ट नहीं करेगा, किसी का पनिशमेंट को अफेक्ट नहीं करेगा। अब मान लो कंपनी एक्ट, एक पुराना एक्ट रिपील हो गया उसके हिसाब से ये जेल में है अभी, और नया एक्ट उसको ऑफेंस नहीं मानता। आई रिपीट, पुराना एक्ट के हिसाब से आयुष जेल का सजा काट रहा है, नया एक्ट उसको रिपील कर दिया, एंड अब जो आयुष काम किया था वो ऑफेंस नहीं माना जाता नया एक्ट में, क्या इसको जेल से छोड़ेंगे? नो, तुम्हारा जो पनिशमेंट है, फॉरफीचर है, पेनल्टी है, जो लग गया वो लग गया। इट शैल नॉट अफेक्ट एनी इंक्वायरी लिटिगेशन। बताओ रिपील क्या क्या चीज को अफेक्ट नहीं करेगा? रिपील मतलब टू ऑब्लिटरेट एन एक्ट, टू डिस्ट्रॉय द एक्ट एज इफ दैट एक्ट नेवर एग्जिस्टेड। बोलो पूरा। टू ऑब्लिटरेट अ सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन एज इफ दैट एक्ट नेवर एग्जिस्टेड इन द बुक्स ऑफ लॉ, कंप्लीटली रिमूव इट। बट स्टिल इट शैल, इवन इफ एन एक्ट हैज बीन रिपील्ड, इवन इफ एन एक्ट हैज बीन रिपील्ड, इट शैल नॉट रिवाइव, इट शैल नॉट, even if an act is repealed, it shall not revive anything which was not imposed by that law, anything which was not imposed by that law, it shall not revive anything which was not imposed by that law, it will not affect the prior management of the legislation, it will not affect the prior management of the legislation, it will not affect any right claim privilege, it will not affect any right claim privilege, it will not affect any penalty or punishment or imprisonment, it will not affect any inquiry or litigation that has already started. Tere upar agar company sir 1956 ka case chal raha hai wo hat gaya, tere upar 1956 ke tehti case chalega agar case chalu ho chuka hai. So repeal ka 5 effect batao. It shall not enforce ya make valid those things which were not enforced, it will not revive those things which were not enforced, it will not affect the prior legislation's work, it will not affect any claim, privilege, status, debt, obligation, it will not affect penalty, imprisonment, it will not affect the pending inquiry, litigation which are already started. State of UP versus Hinendra Pal Singh mein Supreme Court bola, whenever an act is repealed, it must be considered it never existed. Object of repeal is to obliterate. Obliterate matlab destroy the act from the statutory books. Except for certain purposes. कोल्हापुर केन शुगर वर्क्स में बोला गया रिपील खाली सेंट्रल एक्ट और रेगुलेशन का होता है, रूल का नहीं होता। तभी हम अपने मुंह से अभी तक क्या निकाले हैं, एक्ट और रेगुलेशन को उखाड़ करके फेंक देना, रूल को नहीं, रूल का रिपील होता ही नहीं। नवरंगपुरा गाम धर्मदा मिकट्रस और अंतु जी रामा जी, इसका नाम है पढ़ो, नवरंगपुरा गाम धर्मदा मिकट्रस वर्सेस आर एम टू जी रामा जी, रिपील ऑफ प्रोविजन इज डिस्टिंक्शन फ्रॉम डिलीशन ऑफ प्रोविजन। यार रिपील मतलब एक्ट को उखाड़ करके फेंक देना, इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्या बताओ, डिलीशन। डिलीशन ऑफ प्रोविजन इज अ स्मॉल अमेंडमेंट, ठीक है। उसके बाद कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम में कमेंसमेंट एंड टर्मिनेशन ऑफ टाइम में क्या बोला गया, जब लोग दिन काउंट करेंगे ना, फर्स्ट डे को एक्सक्लूड करेंगे, लास्ट डे को इंक्लूड। बोलो, फर्स्ट डे एक्सक्लूड, लास्ट डे इंक्लूड। मतलब जैसे मान लो हमको बोला गया डिविडेंड 30 डेज में पे करना है, तो डिविडेंड वन पे करते हैं 30 डेज ऑफ डिक्लेरेशन, एक तारीख को डिक्लेयर किए तो वहीं से 30 डेज काउंट होगा कि फर्स्ट डे एक्सक्लूडेड। मैंने 1 जनवरी को क्या किया, डिविडेंड डिक्लेयर, तो एक को तो हटा, फर्स्ट डे इज ऑलवेज एक्सक्लूडेड। अब और 30 दिन बचे, 31, तो 31 तक दे देना। फर्स्ट जनवरी को डिविडेंड डिक्लेयर हुआ तो क्या फर्स्ट जनवरी काउंट होगा 30 डेज में कि एक्सक्लूडेड? 30 दिन जोड़ो तो 30 बस काउंट होगा। हाँ, फर्स्ट डे इज एक्सक्लूडेड, लास्ट डे इज इंक्लूडेड। टाइम में बोला गया अगर आखिरी दिन छुट्टी था, आखिरी दिन क्या था, तो तुम नेक्स्ट दिन वो काम करेगा तो चलेगा। मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस,
डायगनली मेजर करेगा किस प्लेन स्ट्रेट लाइन प्लेन स्ट्रेट लाइन स्ट्रेट लाइन ऑन हॉरिजॉन्टल प्लेन प्रोराटा वगैरह करना पड़ेगा ड्यूटीज का कस्टम वगैरह का सिखाया हुआ है जहां जहां तुम लोग एक चीज देखा कानून में बहुत जगह खाली ई लिखा हुआ रहता है तो क्या शी लोग कुछ भी कर सकता है क्या शी लोग कर्मकांड करके बोलेगा आए क्या रे वहां लिखा होता ही सेल बी सेंट टू जेल तो ही सेल इंक्लूड हाँ जो भी मैस्कुलाइन वर्ड्स है वो फेमिनाइन वर्ड्स भी माना जाएंगे देखो मैस्कुलाइन जेंडर शैल बी टेकन टू इंक्लूड क्या बताओ ना मतलब मेल शैल इंक्लूड सिंगुलर शैल इंक्लूड एंड मतलब फीमेल के अंदर भी मेल आएगा एंड प्लूरल के अंदर भी सिंगुलर आए मेल फीमेल एक ही बात है कानून के अंदर में ही एक ही बात है सिंगुलर प्लूरल एक ही बात है तो ही के अंदर क्या आएगा शी के अंदर प्लूरल के अंदर सिंगुलर सिंगुलर के अंदर फिर याद है ये वाला पावर्स एंड फंक्शन इसमें क्या बोला गया था कि अगर मान लो हम लोग का प्राइम मिनिस्टर भी कौन है नरेंद्र मोदी बच्चे जिंदा है ना प्राइम मिनिस्टर कौन है तो अगर हम बोले नरेंद्र मोदी या प्राइम मिनिस्टर क्या मतलब एक ही होगा तो वी कैन कॉल द पर्सन बाय हिज नेम ऑल्सो और बाय द नेम ऑफ हिज ऑफिस ऑल्सो इट विल मीन द सेम We can call a person by his name also. We can appoint a person by his name also or by the name of his office also. यहाँ पर ये सब था ठीक है फिर ये सब के लिए हम आप लोग को लिखवा दिए थे रूल और बाइलो कैसे बनाया जाता है याद आ रहा है रूल और बाइलो बनाने के लिए ये सारे स्टेप्स से रूल और बाइलो बनाने के लिए पांच तो बड़े सिंपल थे यहां से खुद से पढ़ोगे तो हो जाएगा जहां पर भी लिखा हुआ है कि पोस्ट से सर्व करना पड़ेगा ऐसा करते हैं ना पोस्ट कर देते से होल्डर के घर जाकर के पोस्टमैन बोलेगा तभी देंगे जब पैसा दोगे कि पोस्ट हमेशा प्रीपेड रहेगा कि पोस्ट पे से होल्डर से जाकर के ले लेना ना कि हम पहले से पैसा देकर के रखेंगे तो प्रॉपरली एड्रेस होना चाहिए प्रीपेड होना चाहिए पोस्टिंग बाई रजिस्टर्ड पोस्ट ठीक है और कुछ खास नहीं था इसका क्वेश्चन आंसर्स ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर रखे हैं आप यहां से देख सकते हैं फाइनेंशियल ये लिख सकेंगे इमोट प्रॉपर्टी लिख सकेंगे केएमपी वगैरह के बारे में आराम से लिख सकेंगे और पोस्ट के बारे में वही पोस्ट के बारे में क्या होगा प्रॉपर्टी एड्रेस प्रीपेड रजिस्टर्ड पोस्ट अब मदद मिलेगा जनरल क्लॉज एक्ट 1897 में